अच्छा तो भाइयों जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी आप लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। असदुर रहमान आपसे स्टार्ट करते सर, हैं। अस्सलाम। जैसे आपने W3 Squeeze में अपने जावास्क्रिप्ट के भी लिंक्स वगैरह बता देना, तो इस तरह MJS या Node.js की भी आप कोई लिंक्स या कोई रीडिंग मटेरियल बता देना, ताकि जिनका बैकग्राउंड नहीं है जैसे मेरा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। यार अनफॉर्चुनेटली ना इसका अभी तक मुझे भी कोई रिसोर्स ढंग का नहीं मिला ना। सही है। लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं है, राइट? एक्सप्रेस जेएस की जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम एक्सप्रेस में आई है जिसकी आप रिसोर्स चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैंने असल में Node.js ना वहाँ से W3 Squeeze से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वो फिर वो HTTP वगैरह से लेके जा रहे थे। फिर जैसे बाज दफा कभी ये VS Code एरर नहीं पकड़ता, तो उसमें थोड़ा बहुत मसला हो रहा था। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वो देख लेता हूँ कि W3 School पे Node.js एक्सप्रेस है या नहीं है। एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल। अच्छा, ये मैंने खुद पर्सनली अभी तक देखा नहीं है कि इन्होंने किस तरह का लिखा हुआ है आर्टिकल, लेकिन है तो सही। ये दूसरे वेबसाइट पे जावा डिफॉल्ट पे है। अच्छा, ये W3 School के जैसी इन्होंने एक दूसरी वेबसाइट बनाई। ये W3 School नहीं है एक्जैक्टली। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि एक्सप्रेस की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको आप फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओहो, ये तो एक्सप्रेस न्यूज़ खुल गया। अनफॉर्चुनेटली एक्सप्रेस की जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनमें भी वो थोड़ी पुराना वाला जो सिंटेक्स है ना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नया वाला वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे हम अगर गेटिंग स्टार्टेड में जाएं तो इन्होंने भी वही रिक्वायर वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अभी आई थिंक जो मेन डिफरेंस है जो पुराने वाले तरीके में और नए वाले तरीके में, वो तो इम्पोर्ट का एक तो मेन डिफरेंस है, वो तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी नीचे की चीज तो सेम है आई थिंक, क्योंकि कॉन्स्ट करके देखें, इन्होंने भी वेरिएबल कॉन्स्ट करके बनाया हुआ। आप लेट करके भी बनाएंगे तो चलेगा, सही है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये भी ना। अच्छा, फिर हमने जैसे लैम्डा फंक्शन है, देखो इन्होंने लैम्डा फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें आप। ये डॉक्यूमेंट आई गेस काफी बेहतर है कि आप किसी ट्यूटोरियल को या आर्टिकल को आप पढ़ें, उससे बेहतर आप यहाँ पे आए ना। अच्छा, ठीक है सर। खैर, तो हम अच्छा सलील, आपने भी हैंड रेस किया हुआ था। जी ये मैंने और हमजा भाई ने खत्म करने की कोशिश की। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं, दिखाऊं कहां तक पहुंचे हम। जी करें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ शेयर स्क्रीन। यस। अच्छा, मोहम्मद हमजा फारूक ने भी एक लिंक भेजा हुआ है। हाँ, हमजा भाई ने और हमने साथ ही बनाया था। यही है, यही आप जो देख रहे हैं यही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने लाइक मतलब आप टेस्ट करके देख लें, फिर बताते हैं हम क्या हो रहा है। सर थोड़ी वो कर लें, जूम काम कर लें, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा, क्रिएट पोस्ट सम टाइटल। पोस्ट अब ऊपर का जो बटन है ना सिंक का, पोस्ट फीड के ऊपर लेफ्ट में, हाँ राइट में, हाँ वो वाला, तो अब गेट ऑल पोस्ट है वो एसेंशियली। आ गया यहाँ पे भी। सही है। अब क्या हो रहा है कि हम एडिट और डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां से ये कैसे ले सो लाइक फ्रंट एंड से इसका आईडी कैसे निकाले ऑन हावर, ये नहीं समझ आ रहा था। ऑन हावर या फिर ऑन क्लिक। सर API तो बना ली थी, लेकिन ना ये फ्रंट एंड से थोड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, मैं वो वाला कोड खोल लेता हूँ जहाँ लास्ट हमने छोड़ा था। और अच्छा, ये मैंने APIs के
क्रिएट की थी, और ये हमारा index.html का जो कि किस पे चल रहा था, ये चल रहा था लोकल वेरिएबल पे जो बनाया था ना, ये कॉपी किया था तो ये भी कॉपी हो गया था साथ में। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को रन करते हैं और चला के देखते हैं कि भाई कैसे होता है। ठीक है, पहले यही कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई npm run dev, dev नहीं है, dev लगा देते हैं, है तो सही dev। अच्छा, ये हमारे पास भी हो रहा था, ये npm run dev पे चल ही नहीं रहा था ये dev का स्क्रिप्ट। मैं फोल्डर में नहीं हूँ इसलिए मुझे एरर दे रहा है। अभी मैं फोल्डर के अंदर जब जाऊंगा ना तो फिर ये चलेगा। अच्छा, वो उस रूट, उस यानी जिस जगह पे package.json मौजूद है ना, उस लेवल पे जब मैं पहुंचूंगा जब चलेगा। now that makes so much sense। तो ये मैंने इसको चला दिया, और साथ में मैं क्या कर देता हूँ, इंडेक्स ये जो HTML है मेरी, इसको भी मैं रन कर लेता हूँ अपने पास ब्राउजर पर। ठीक है जी, ये मेरे पास एक है जिसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ और सबमिट का बटन दबाता हूँ तो ये सबमिट हो जाता है। लेकिन ये अच्छा, गेट ऑल पोस्ट करूँगा तो ये गेट भी हो गया। ठीक है, इतना तो ये एग्जैक्टली सही चल रहा है विदाउट एनी चेंजेस ना, मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं किए इसके अंदर, जैसा ये लोकल वेरिएबल है ना, ये लोकल वेरिएबल में चल रहा है। ये अभी लोकल वेरिएबल पे चल रहा है, मैं देख लेता हूँ, बट आई थिंक ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ये मेरे लोकल होस्ट 3000 पे चलने वाले सर्वर को एक्सेस कर रहा है, राइट। और ये जो लोकल होस्ट 3000 पे मैंने ये सर्वर अभी चलाया ना, ये उस पर है। और इसका प्रूफ ऐसे होगा कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैंने कहा क्यू और सबमिट किया और मैंने गेट ऑल किया, तो अब मैं जब सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा तो ये क्यू खत्म नहीं होना चाहिए। सही, और अगर ये क्यू खत्म हो जाता है तो उसका मतलब है कि आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। वो डेटाबेस का कनेक्शन बस MGS में, MGS के डॉक्यूमेंट में कहाँ पे है वो जरा दिखा देंगे। देखें जी, ये मेरे पास सर्वर रन हो रहा है, ये कौन सा सर्वर है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, राइट राइट, लास्ट क्लास में जो सर्वर मैंने बनाया था वो सर्वर है। और ये index.html ये कौन सा वाला है, ये क्लास 5 से ना कॉपी होकर आ गया है, क्योंकि मैंने क्लास 5 जो यानी 5 वाला फोल्डर है उसी को डुप्लीकेट किया था, तो उसके साथ ये डुप्लीकेट होकर आ गया था। ठीक है, चूंकि ये API कॉल करता है, जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो API कॉल करता है। ठीक है, हम इसको देख भी चुके थे कि एक फॉर्म बना हुआ है मेरे पास, उसके बाद एक H4 करके रिजल्ट लिखा हुआ है जिसमें वो रिजल्ट लाके प्रिंट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब अच्छा, उसके बाद कुछ स्पेस देने के बाद एक बटन है गेट ऑल पोस्ट, और उसके बाद H3 एक और है जिसके अंदर सारी पोस्ट शो होती है। ठीक है, क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा कुछ और सबमिट दबाया, तो ये रिजल्ट के अंदर ये बात लिखी भी आ गई मेरे पास, एक जो आईडी थी रिजल्ट की, योर पोस्ट इज सेव, और नीचे ये गेट ऑल पोस्ट किया मैंने तो इसने भी एक API कॉल कर दी। अब दोनों API देख लेते हैं किस तरह से कॉल हो रही है। ठीक है, बटन प्रेस करता हूँ जब सेंड का, तो ये फंक्शन कॉल होता है सेंड टू सर्वर, राइट। और ये क्या करता है, बेस URL उसके साथ पोस्ट कॉल करता है। अब ये बेस URL क्या चीज है, ये ऊपर मुझे दिख रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल इसलिए बना दिया ताकि मैं बैक एंड स्विच कर सकूं हरिको ऐप में। सेंड टू सर्वर पे इसने ये कॉल कर दिया API, ये कोड चल गया। इसको अब मैं कोलैप्स करता हूँ, गेट ऑल पोस्ट जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये चलता है, ये भी एक API कॉल कर रहा है, स्लैश पोस्ट की API कॉल कर रहा है, राइट। अच्छा जी, सही। अब हमें बनाना है डिलीट, राइट। अब हमें बनाना है डिलीट, एडिट और डिलीट, या फिर मतलब इसेंशियली क्या है कि एडिट या डिलीट दोनों करने के लिए उस पोस्ट की आईडी चाहिए। तो अब एग्जैक्टली सही है, पोस्ट की आईडी चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पोस्ट की आईडी को भी डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम पोस्ट की आईडी को भी डिस्प्ले करवा दें, तो मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि पोस्ट की आईडी को डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि और भी हम क्या कर सकते हैं। ._id अकॉर्डिंग टू अवर API जो हमने कल लिखी थी, _id उसमें मुझे मिलती है किस चीज को लेकर, मेरे हर पोस्ट के साथ एक आईडी मिल रही होती है। ठीक है, मैंने इसको रिसर्च किया। ठीक है, अब हर पोस्ट के साथ मुझे पहले आईडी दिखेगी और फिर वो एक्चुअल पोस्ट दिखेगी, राइट। सही, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस आईडी को मैं कॉपी करके रख दूं और बता दूं कि भाई किसको डिलीट करना है, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसी के साथ मैं बटन भी लगा सकता हूँ।
अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा, अब ये प्लेन HTML के अंदर बटन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इस तरह करके, तो हाँ प्लेन HTML के अंदर बटन लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो हम फिलहाल इसको मेरे ख्याल रहने देते हैं यहीं पर। जस्ट आपको ये आइडिया हो गया कि हमने डिस्प्ले करवा दिया पोस्ट को, तो अब आप यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं, एक और डिब्बा बना सकते हैं कि डिलीट वाला डिब्बा, उसमें आप उसमें आईडी कहे बंदे से पेस्ट करें और डिलीट करें तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है। बट हर पोस्ट के फ्रंट पे जो आईडी यानी डिलीट का बटन बना हुआ है, बनाने को तो मैं बना दूंगा, बट मे बी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा प्लेन HTML के अंदर। तो बताएं जी, बना दूं? हाँ बना दो, क्योंकि वही मसला तो यही था कि आईडी कैसे उठा के हम डिलीट कर रहे हैं, यही मसला आ रहा था। बना दो दोबारा, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कि वो हुआ क्या क्योंकि प्लेन HTML में ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जी सर, आप मुझे बस ये यूआई से थोड़ा गाइड कर देंगे किस तरीके से होगा हमारी जो हमने बनाई यूआई? नहीं, मैं इसी में बना देता हूँ ना, इनर HTML है ना। अब इनर HTML में मुझे क्या देना पड़ेगा, इनर HTML में मुझे ये देना पड़ेगा, अब मुझे इनर HTML में प्रॉपर चीजें बनानी पड़ेंगी, राइट। ये क्या है, पोस्ट जो है मेरा, ये पोस्ट के नाम से ये H3 है असल में। तो मैं H3 को क्या कर देता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसके अंदर ना प्रॉपर एलिमेंट देने लगा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एक डिव है, क्योंकि वो H3 था तो सब कुछ ही बड़ा बड़ा आ जाता था। अब मैं H3 को इनर HTML में प्लस कर रहा हूँ। क्या प्लस कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई एक आप करो ठीक है, बोल्ड वाला एक कैरेक्टर आप लगाओ, और इसमें आईडी को ना थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दो, ठीक है। ये आईडी डिस्प्ले हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि भाई उसके बाद ना कुछ एक, लेकिन आप एक बार हमारा हमजा भाई और हमारा ये यूआई देखेंगे एक बार? मैंने देख लिया यूआई, जो अभी जिसका लिंक था वो वाली यूआई की बात हो रही है ना। हाँ हाँ, तो उसमें सीन ये था कि हमने वहां पे बटन्स रखे थे राइट, एडिट और डिलीट के। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लाइक बटन को इस आईडी के लाइक यू नो ऑन क्लिक, मतलब आईडी भी हमने दिखा दी उस पोस्ट पे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बटन पे उस आईडी को कैसे उठना, आप समझ रहे हैं? यानी जितना मैंने किया हुआ है एक्चुअली आपने भी उतना ही किया हुआ था, यही कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली, हम यहाँ पे आके अटक गए कि भाई अभी लाइक बटन से डिलीट कैसे होगा, क्योंकि आईडी कैसे मिलेगी ऑन बटन क्लिक, ये सवाल था एसेंशियली। जी अभी मैं यही सवाल आपका जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं प्रॉपरली आपके आपको समझा पाऊँ। सही सही, अच्छा डिव को भी इसमें डाल सकते हैं आप? इनर HTML में तो पूरा HTML लिख सकता हूँ मैं, ये मैं प्रॉपर पूरा HTML इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो अब ये जो पोस्ट है ना, अब ये डिव है, अब इस डिव के अंदर मैं प्रॉपर एक HTML इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, एक मजीद डिव है, उसके अंदर एक बोल्ड करके ऐसे आईडी दिखाई जा रही है, उसके बाद मैंने कहा कि पैराग्राफ करके मुझे ये पोस्ट दिखा दो ऐसे, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर इसको बना दिया। अब उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक अदद बना दो बटन, ठीक है, मैं प्रॉपर HTML इसमें प्रॉपर इंसर्ट कर रहा हूँ, और मैंने इस बटन का नाम रख दिया डिलीट, ठीक है। बटन के ऑन क्लिक पे मैंने क्या कहा, इस बटन ऑन क्लिक पे मैंने कहा ऐसे होता है, अच्छा, के एक फंक्शन कॉल करो जिसका नाम होगा डिलीट, ठीक है। एक फंक्शन कॉल किया जाएगा इस बटन पे, कुछ इस तरह का वो होगा फंक्शन, इसको मैंने कॉपी किया सही है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिलीट पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या मिलेगी, पोस्ट की आईडी मिलेगी, जाहिर है जो जिसकी आईडी मिलेगी उसी को डिलीट करना है। अभी मजीद अंदर का कोड मैं नहीं छेड़ता, अभी फिलहाल इसको मैं बना देता हूँ जस्ट। तो मेरे पास ऑन पे क्या चलेगा, ये
डिलीट पोस्ट में फंक्शन चलेगा राइट, कॉल होगा। अब कॉल करते वक्त मुझे क्या देना है उसको, एक अदद, कॉल करते वक्त मुझे एक अदद आईडी देनी है उसको। तो ये आईडी मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसको, ऐसे कर पोस्ट डॉट आईडी। करेक्ट, सही। सही है, आई थिंक हम ने कर लिया ये। अच्छा, अब यहाँ पर जब आ जाएगी आईडी, तो आईडी आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्सियोस डॉट डिलीट की रिक्वेस्ट करूंगा, बेस यूआरएल स्लैश पोस्ट, और बॉडी में मुझे क्या, सॉरी यहाँ पे मुझे स्लैश आईडी स्लैश अंडरस्कोर स्लैश आईडी राइट स्लैश कोलन आईडी। सही है, जो मुझे पैरामीटर में मिला है वो मैंने यहाँ पे बता दिया इसको। सही है, ये मैंने डिलीट किया और डिलीट, अच्छा बॉडी में मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है डिलीट में, ठीक है। देन रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स के डेटा को मुझे इनर एचटीएमएल में, हाँ रिजल्ट में मैंने डिस्प्ले करवा दिया, जो भी वहां से डिलीटेड लिखा हुआ आएगा मोस्ट प्रॉब्ली वो मैंने यहाँ दिखा दिया। और वो दिखाने के बाद मैंने गेट ऑल पोस्ट को एक दफा और से कॉल कर दिया, ठीक है, ताकि वो यानी लिस्ट भी मेरी अपडेट हो जाए। ये गेट ऑल पोस्ट जो है ना मैंने खुद से ही प्रेस करवा दिया, ताकि वो ऐसा लगे कि रियल टाइम में गायब हो गया। इसको चला के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। अच्छा ये बटन तो बना हुआ आ गया, एक आईडी आ गई, उसके बाद ये पोस्ट आ गया, उसके नीचे बटन आ गया। ये मेरे ख्याल डैशेस की जरूरत नहीं है ना, इन डैशेस को हटा देते हैं। ठीक है, और मैं इसके बाद क्या लगा देता हूँ, एक अदद बीआर लगा देता हूँ, एचआर लगा देता हूँ। एचआर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल होता है, ताकि वो हर पोस्ट के बाद एक लंबी सी लकीर डाल दे वो, ठीक है जी। तो हमें मुझे पता चल रहा है ये इतनी जो है एक पोस्ट है। अच्छा मैं एक दफा इस डिलीट के बटन को देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये डिलीट के बटन पे ना अभी स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस जगह पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन लगा देना चाहिए ताकि उसको स्ट्रिंग कंसिडर करे, ठीक है। अब मैं इसी वजह से कह रहा था, शायद ये बात आपको भी पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन खैर ये मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे छोटा सा, आई थिंक हमारा अब ये काम हो चुका है। अच्छा अब ये वाओ सम अदर पोस्ट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क के टैब में आ जाते हैं ताकि रिक्वेस्ट को मैं देख सकूँ। वाओ सम अदर पोस्ट डिलीट, गायब हो गया। क्या बात है, सही है, ये डिलीट की रिक्वेस्ट। आईडी को छुपा के भी मैं यही चीज कर सकता हूँ, आईडी को हमने ना दिखाया नहीं आईडी को, इसमें अब दिखाना मैटर नहीं करता इस केस में, क्योंकि हमने बटन तो बना दिया, दिखाना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। क्यू वाले को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। That's cool. ठीक है, ये हमने 4-5 लाइन का कोड ऐड किया है, बाकी सारा कोड वही है ऑलमोस्ट जो पहले वाला है। जस्ट मैंने इसको चेंज किया है, H1 से मैंने इसको डिफ कर दिया, क्योंकि जाहिर है H1 के अंदर फिर मैं कुछ भी डालूंगा ना तो वो सबको ही बड़ा बड़ा करके दिखाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे मैंने जो हर पोस्ट को मैं आइटरेट कर रहा था उसको कोड को चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है जी। ये एक नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो पोस्ट को डिलीट करने के काम आ रहा है। ठीक है, सारी पोस्ट मैंने डिलीट कर दी। सही, तो ये इस स्क्रीन पे ये सब कुछ आ रहा है जो भी आपका सवाल था। स्टिल सही है, बता रहा हूँ कि ये प्लेन एचटीएमएल में काफी मुश्किल है ये चीज जो मैंने की है अभी। ये जब हम अभी थोड़ी सी हम इंशाल्लाह रिएक्ट भी पढ़ेंगे, बट हम अलेक्सा कंप्लीट करने के बाद वो पढ़ेंगे ना, थोड़ी सी रिएक्ट जो पढ़ेंगे तो उसमें फिर ना ये इसको करने का थोड़ा सा आसान एक तरीका आपको मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, उसमें चीजें उन्होंने निस्बतन आसान की हुई है। इसमें काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ा है हमें, उसमें थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता है और निस्बतन चीजें थोड़ी ऑटोमेट भी हो जाती हैं उसके अंदर। लेकिन फिर भी ये अच्छा हो गया, समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने सर्वर पे जी। सर हम ये सर्वर पहले क्यों पढ़े रिएक्ट से,
कोई खास वजह? देखिए मैं हमेशा ना सर्वर पहले ही बढ़ाता हूँ रिएक्ट से। उसका रीज़न ये है कि जब आप एक दफ़ा रिएक्ट पे मूव कर जाते हैं ना, तो आपको सर्वर पे ही रिक्वेस्ट करनी होती है सारी। तो वंस आपको सर्वर अगर पहले आता हो ना, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ऐसी थ्योरी भी थी, मेरा ऐसा मानना भी था, और ये एक्सपीरियंस से भी साबित रहा है मेरे साथ, कि मैं सर्वर जब पहले पढ़ाता हूँ तो रिएक्ट जल्दी समझ आती है, आसानी से समझ आती है नस्बतन। सही, ओके सर। अच्छा जी, अच्छा ये हम सर्वर पे आ चुके हैं, जो लास्ट क्लास का कोड था उस पे आ चुके हैं हम। कुछ दोस्तों को इसमें कुछ कंफ्यूजन थी, तो अगर वो प्लीज अपना सवाल पूछ लें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी रहेगी, निस्बतन के मैं पूरा गो थ्रू करूँ, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। किसी को भी कोई सवाल नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है यार। चलो मैं पूरा ही गो थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर किसी, अच्छा कुछ चीजें भी हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि मिडलवेयर क्या होता है, पाइपलाइन मैकेनिज्म, ये चीजें हमने अभी मतलब बिल्कुल सरसरी सा निकल गए थे, तो वो चीजें आज कंप्लीट कर लेते हैं हम, कि सर्वर में वो चीजें क्या होती है। ठीक है एक फिर। एक यहाँ पे जाने से पहले एक बस सवाल, वो पिछले पॉइंट से रिलेटेड। हमने ये तो आईडी तो ले लिया, लेकिन अब वही जो टेक्स्ट जो था हमें एडिट करने के लिए अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे? एडिट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन एडिट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। बोलेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन स्टिल मोस्ट प्रॉब्ली वो समझ में ना आए आपके कि वो हो कैसे रहा। तो मतलब लेकिन ये चीज रिएक्ट में आसान होगी? निस्बतन आसान होगी, जाहिर है बिल्कुल आसान तो नहीं होगी, लेकिन निस्बतन आसान कंपैरेटिवली देन दिस, राइट? होगी। ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें अपडेट अभी करना है, करके दिखा दूं अगर अपडेट? दिखा सकते हैं तो दिखा दें, अगर 5 मिनट में हो जाएगा। आपको लगता है ज्यादा लगेगा 5-10 मिनट से, तो नहीं जाने दो, आपका वक्त नहीं जाया करूंगा। अभी नहीं, बाद में, मतलब यू नो क्लास के बाद कर सकते हैं। नहीं मैं दिखा देता हूँ चलो, क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं तो जाहिर है यूआई पूरी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा एक मैंने मजीद बटन बना दिया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, उस बटन का नाम रखा अपडेट, और इसके अंदर फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया अपडेट पोस्ट, राइट, अपडेट पोस्ट इस बटन का मैंने नाम रख दिया, राइट। अच्छा सही। और इसको भी मैंने सेम उसी तरह से आईडी दे दी, ठीक है, जिस तरह से मैंने पहले वाले को दी थी अपडेट पोस्ट। अच्छा अब इस अपडेट पोस्ट के नाम से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, जैसे सेम डिलीट वाला फंक्शन था सेम उसी तरह। अब इसका नाम मैं चेंज करके अपडेट पोस्ट कर देता हूँ, अपडेट पोस्ट, ठीक है। अच्छा अपडेट पोस्ट को आईडी तो मिल चुकी है, जैसे ये ओपन होगा ये यूजर से प्रॉम्प्ट करेगा, राइट, यूजर से ये कहेगा, प्रॉम्प्ट करके पूछेगा कि प्लीज एंटर न्यू टेक्स्ट फॉर दैट। ये हमारे यूआई में कैसे होगा, मैं ये पूछ रहा था कि लाइक हमारे यूआई में हमने वो एक टाइटल का बॉक्स दिया था और एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिया था। सो व्हाट वी वांटेड वाज एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद वो वाला डेटा जो है उस उन टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो जाए। अच्छा आप समझ रहे हैं? आमतौर पर आप, मैं समझ गया आपकी बात, आप चाह रहे हैं कि आप एडिट का बटन प्रेस करें तो वो सारा टेक्स्ट उसके पहले वाले बॉक्स में आ जाए। एग्जैक्टली। ऐसा करना आई थिंक सही नहीं रहेगा, उसका रीजन ये है कि असल में कभी भी आप किसी वेबसाइट पे जाके, जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें, कोई आपने पोस्ट कर दी हुई है और जब आप उसको एडिट का बटन प्रेस करते हैं, तो वो वहीं पे या तो डायलॉग बॉक्स खोलता है और वो सही। इनिशियल फॉर्म से डिफरेंट होता है, ओके। ठीक है, इनिशियल फॉर्म से वो डिफरेंट होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के जरिए यूजर से इनपुट लिया, नया इनपुट ले रहा हूँ मैं, यूजर से मुझे एक अदद नया इनपुट लेना है कुल मिला के, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट के जरिए भी लिया जा सकता है। अब बूटस्ट्रैप वगैरह में ना बने हुए कंपोनेंट होते हैं, डायलॉग बॉक्स टाइप का ना वो खुलता है स्क्रीन पूरा, तो उसको मोडाल कहते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो मोडाल भी खोल सकते हैं आप। सिंपल कोई आप टेक्स्ट बॉक्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके नीचे में, तो इस तरह करके आप कर सकते हैं ना। तो मैं दोनों ही तरीके दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट पोस्ट का फंक्शन हिट हुआ, वैसे ही उसने एक प्रॉम्प्ट खोल दिया, ये तो सबसे पहला हो गया हमारा।
अब इस न्यू पोस्ट में जो भी बंदा लिखेगा मैं क्या करूंगा, एक्सियोस डॉट पुट की एपीआई कॉल करूंगा, पोस्ट तो सेम रहेगा, आईडी भी सेम रहेगी। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ऐसे करके और ये न्यू पोस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, बॉडी में डेटा भेज रहा हूँ मैं नया वाला डेटा। मैं देख भी लेता हूँ एपीआई में, मैंने इसी तरह से किया है, मतलब वो वैल्यू मैंने इसी नाम से, हाँ टेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट के नाम से मुझे चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट के नाम से यहाँ बॉडी में इसको पास करवा दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स में जो भी आएगा अपडेटेड लिखा हुआ आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। रिस्पॉन्स आने के बाद मैंने गेट ऑल पोस्ट को दोबारा कॉल कर लिया ताकि ऐसा रियल टाइम में लगे कि वो अपडेट हो गया, स्क्रीन पे भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसको चला के हम इसकी क्या रिपोर्ट है। अच्छा, कुछ पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी हमें, अच्छा पोस्ट सबमिट होने के बाद मैं गेट ऑल नहीं कॉल करवा रहा हूँ ना खुद से, यहाँ पे भी करवा देता हूँ ना कि जैसी कोई नई पोस्ट क्रिएट हो ना तो भी गेट खुद से हो जाए, जैसे सेंड टू सर्वर है तो इसके देन में यहाँ पे ना ये हो जाए ताकि बंदा जब पोस्ट करे लिखकर तो उसको ठीक है पोस्ट हो जाए और उसको स्क्रीन पे दिख भी जाए। अच्छा बट इसमें लास्ट में वो दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है उसको वो, इसको हम शुरू में भी करवा सकते हैं जैसे इसको मैंने पुश किया होगा मोस्ट प्रोबली। क्या किया मैंने इसके साथ, सेंड टू सर्वर नहीं गेट ऑल में जाना पड़ेगा ना मुझे, गेट ऑल पोस्ट में मैंने इसको पुश किया हुआ होगा तो मैं इसको इसको मैं शुरू में करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं शुरू में करवाने के लिए क्या करूंगा कि मैंने इसको कॉपी किया और मैंने कहा कि पोस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू ये डिव एंड देन प्लस उसके जो भी कुछ उसमें पहले से मौजूद था। ओके, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्या होगा उसको अपोजिट करना शुरू कर देगा ये। ठीक है, अब मैं जो भी कुछ लगाऊंगा वो ऊपर आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्यू 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 एंड देन लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैं जो भी कुछ करूंगा लेटेस्ट एक्टिविटी मेरी टॉप पे आ रही होगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है मेरी स्क्रीन अभी, क्योंकि ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं नीचे से लिख रहा होता तो वो ओरिएंटेशन पहले वाली ज्यादा बेहतर थी। अब मैं इसको चाहता हूँ कि भाई अपडेट करूँ, ये जो क्यू क्यू वाला है इसको अपडेट करके मैं जेड करना चाह रहा हूँ। अपडेट का बटन प्रेस किया मैंने और जेड प्रेस किया और ओके किया मैंने, तो ये जेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपडेट। अच्छा, इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो जरूरी नहीं है प्रॉम्प्ट से इनपुट लें, हमने शुरू में इनपुट से प्रॉम्प्ट लिया था, फिर थोड़े दिनों बाद हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी करके प्रॉम्प्ट लेना शुरू कर दिया था, राइट। हम शुरू में बिल्कुल प्रॉम्प्ट यूज करते थे, बट हमने बाद में डिस्कवर किया कि प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लॉकिंग कोड है, पूरे उसको ब्लॉक कर देता है वो, अलर्ट और प्रॉम्प्ट हम इसलिए यूज नहीं करते, कोशिश करते हैं अवॉइड करें उसको। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर इसके नीचे ये जो बटन हमने बनाया हुआ है इसके नीचे हम एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना के हम उसको जो है वो कर देंगे, या हम एक डिव बना देते हैं इसके अंदर, हम एक यहाँ पे ना छोटा सा एक डिव बना के छुपा देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक डिव होगा यहाँ पर, ठीक है, ये डिव बना के मैंने छुपा दिया। अच्छा, फिर बाद में उसको गेट कैसे करूंगा मैं, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, सेम आईडी दे देता हूँ जो मेरे पोस्ट की आईडी, राइट। तो उससे क्या होगा कि मैं किसी भी पॉइंट पे इसमें कुछ रखवा सकता हूँ गेट करके। तो अब ये जो पोस्ट की आईडी है ना, मैंने सेम आईडी इसको पास करवा दी। सही है जी, तो अब हर पोस्ट के साथ ना एक एम्प्टी डिव अवेलेबल है मेरे पास, जो जाहिर है जिसमें कुछ है नहीं तो वो दिखेगी नहीं अभी स्क्रीन पे, तो उसकी आईडी मुझे मालूम है क्योंकि वो आईडी क्या है, उस पोस्ट की आईडी के इक्वल है, सेम है बिल्कुल। ठीक है जी, आके मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरी एक पोस्ट है, इसके बाद ये मेरे पास डिव है। ठीक है, हर पोस्ट के साथ ये डिव मेरे पास होगी और उसकी जो आईडी होगी वो क्या होगी, पोस्ट के इक्वल होगी। स्क्रीन पे मुझे अभी इस वक्त ये नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इस बटन के अपडेट पोस्ट के प्रेस होने पे मैं इसमें कुछ भी रखवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैं अपडेट पोस्ट का जो है ना, अच्छा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक नया फंक्शन बना देता हूँ, राइट, ताकि ना ये वाला भी फंक्शन रहे कि अलर्ट के जरिए किस तरह हो जाता है।
अच्छा अब मैं न्यू पोस्ट जो इस तरह लेता था इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है जी, और इसका नाम क्या दे दो, तो क्या गेट करना है, ये गेट करना है, सही है, इस नाम का जो आईडी है वो गेट करना है, ठीक है, उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल, राइट, उस मतलब जाहिर है वो क्योंकि खाली डिव है तो उसमें मैं कुछ रखवाना चाह रहा हूँ। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम हम और ये कर सकते हैं कि बजाय इसको हम अलग से डिव बनाने के, ये जो पूरी डिव है ना ये भी तो एक डिव है हमारे पास, हाँ उसी को अगर ये दे दें, हाँ, उसी को ही हम वो आईडी दे देते हैं, हाँ, ये आईडी मैंने यहाँ से कट किया और कट करके मैंने इसी को ही दे दिया, सेट, मैं यही सोच रहा था। तो अभी इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं मतलब जब इसको रिप्लेस मारूंगा ना तो ये जो भी दिख रहा है वो सब गायब भी हो जाएगा, राइट, मतलब अपडेट का बटन दबाऊंगा तो सब गायब होके टेक्स्ट बॉक्स दिखा सकता हूँ मैं, अब मेरे पास ये तरीका आ चुका है। तो मैंने कहा कि भाई इनर एचटीएमएल में जो है ना क्या कर दो, उसको इक्वल कर दो खाली सबसे पहले, दो कि उसमें जो भी कुछ है पहले वाला उसको उड़ा दो, इसको इतने को चेक कर लेते हैं पहले हम, अपडेट का बटन दबाया, अरे ये क्या, अच्छा ये प्रॉम्प्ट भी लगा हुआ है ना, यार ये अपडेट का बटन प्रेस किया जैसे ही वो गायब हो गया, सही है, ठीक है, अब गायब करवाने के अलावा मुझे क्या करना है, वहां पे कुछ उसके साथ रखवाना भी, ठीक है, अभी तो मैंने गायब करवाया, अब गायब करवाने के बाद अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रख दूं मैं, ये अदद इनपुट बॉक्स, सही है, बैकटिक वाले में लेता हूँ, इनपुट, अच्छा ये इनपुट ना मैं यहाँ पे लिखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है मैं, तो यहाँ पे ना मैं इसको लिख कर और फिर अंदर लेकर आ जाऊंगा, इसकी टाइप मैंने कहा कि क्या होगी, टेक्स्ट होगी, ठीक है, ऑन, अब जाहिर है इसके इसके साथ मुझे एक अलग बटन भी चाहिए होगा, ठीक है, प्लेस होल्डर एंटर न्यू टेक्स्ट फॉर दिस पोस्ट, राइट, और इसके साथ फिर मुझे एक अलग बटन भी रिक्वायर्ड होगा, बटन डू डू चेंजेस, मेरे ख्याल जो भी इसका बेहतर नाम होगा डू चेंजेस, और डू चेंजेस के ऑन क्लिक पे मुझे जाहिर है अब एक दूसरा फंक्शन चलाना पड़ेगा, डू चेंजेस, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन मुझे चलाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, और इसको भी मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, वही आईडी पास करनी पड़ेगी जो मैंने उसको किया हुआ था, ठीक है, तो अब ये मेरा ख्याल है मेरा HTML तैयार हो गया, तो मैं इस पर HTML को तैयार करके अब यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, सही है, और ये डू चेंजेस के अंदर जो है मैंने क्या किया, मैंने इसको आईडी पास कर देनी है वही वाली जो मुझे मिली हुई है, ठीक है, अब ये जो नीचे वाला काम है वो किसमें होगा, वो आगे चल के होगा do changes वाले फंक्शन में करना पड़ेगा मुझे, changes में मुझे आईडी मिल गई और बाकी का काम मुझे यहाँ मिल गया, आईडी मिल गई, अच्छा आईडी के साथ साथ मुझे इसमें अब टेक्स्ट भी मिलेगा, सॉरी टेक्स्ट मुझे मिलेगा नहीं, टेक्स्ट मुझे इस प्लेस होल्डर में से उठाना पड़ेगा किसी तरह, इसमें से उठाना पड़ेगा मुझे, अच्छा तो एक काम करते हैं फिर हम इसको भी एक आईडी पास कर देते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम सेम आईडी दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, तो हम मैं क्या करता हूँ अपने पोस्ट की आईडी लगाता हूँ उसमें साथ में कुछ छोटा सा टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ताकि आईडी डुप्लीकेट ना हो, सही, अंडरस्कोर आईडी टाइप्स कुछ, हाँ मैंने कहा आईडी लगा दो और साथ में डैश लगा दो टेक्स्ट, ठीक है, सही, मैंने इसको कहा कि भाई आईडी होगी और अंडरस्कोर टेक्स्ट करके होगा, ठीक है जी, अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ये HTML में भाई इसी तरह होगा, ये समझ आ रहा है मुझे वैसे हल्का, सर आईडी में टेम्पलेट दे सकते हैं, ये तो मेरा स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है असल में मेरे पास, तो स्ट्रिंग में मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ, ठीक है, ये असल में मैं आईडी में टेम्पलेट नहीं दे रहा, ये स्ट्रिंग है मेरा पूरा, इसमें टेम्पलेट दे रहा हूँ, और ये ES6 वाला जो स्ट्रिंग है ना बैकटिक वाला वो है,
तो अब HTML लिखने के दौरान, अब जब ये इसको एग्जीक्यूशन करेगा ना, तो ये ID रिप्लेस होके एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी इस पे, और ये प्रोड्यूस करेगा एक प्रॉपर स्ट्रिंग, उसमें कोई बीच में मतलब इस तरह की चीज नहीं होगी, वो प्लेन स्ट्रिंग होगा जो ये प्रोड्यूस करके इस इनर HTML को देगा। पर तो लेकिन ये जो ID में हमने टेम्पलेटिंग की है, ये हम बैकटिक के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे डिव के साथ या नहीं? उसको असल में बैकटिक ना मेरी यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है, तो इसके दरमियान में मैं इसलिए कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन अगर ये ID इसके दरमियान नहीं होता तो ये हम ID नहीं इस्तेमाल कर पाते, नहीं कर पाते। सही। वैसे एक चीज मैं आपको और पॉसिबिलिटी बता दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बैकटिक लगा देता हूँ इस तरह, ठीक है, तो ये HTML में एरर है, आई थिंक ये HTML में एरर दे देगा आपको। अच्छा, चेक करते हैं इसको। हाँ, एरर दे दिया ना उसने, उसको पता ही नहीं, क्योंकि यही पोस्ट है ना जिसमें हम डिस्प्ले करवाते हैं उन चीजों को, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये ID है क्या। अच्छा, जो हम कर रहे हैं वो नीचे जहां पर ये एरर नहीं दे रहा, JSX है ये? JSX नहीं है भाई। ओके, ये प्लेन स्ट्रिंग है, मैं पोस्ट डॉट इनर HTML को ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रिंग है, दैट्स ऑल। सर अगर स्ट्रिंग है तो फिर ये फंक्शनल भी कैसे कर रहा है, मतलब कि आईडी वाला काम कैसे कर रहा है? स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है। बस ये हम इंशाल्लाह रिएक्ट में जब पढ़ेंगे ना तो ये सही तरह से पढ़ लेंगे, अभी इसको ना मैं प्लेन अगर करना शुरू करूंगा ना तो फिर लंबी हो जाएगी काफी कहानी, तो कर देता हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। डू चेंजेस में मुझे क्या मिला, अब ये मुझे आईडी मिलेगी इस तरह करके, आईडी अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है जी, और मैंने कहा कि भाई इसमें क्या होगा, आईडी होगी इटसेल्फ और साथ में ऐसे टेक्स्ट होगा, तो इस तरह करके, और डॉट उसकी क्या उठा ली जाए, वैल्यू उठा ली जाए, ठीक है, मैंने कहा लेट न्यू टेक्स्ट इक्वल्स टू दैट, ठीक है, न्यू टेक्स्ट मैंने इसमें उठा लिया मेरा, क्योंकि मुझे पता था ये इनपुट बॉक्स की यूनिक आईडी मुझे मालूम है, तो ये न्यू टेक्स्ट मैंने उठा लिया। अब इस न्यू टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है जी, तो ये होपफुली मेरा, अच्छा ये जैसे ही अपडेट होगा गेट ऑल पोस्ट दोबारा से चलेगी, वो पूरा रेंडर दोबारा हो जाएगा, पुरानी चीजें सारी गायब हो जाएंगी, ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं और इसको तो डिलीट कर देते हैं, नल हुआ भाई। अच्छा, अब किसी एक को इसमें से अपडेट करते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये बनाते हैं नई पोस्ट, इसको अपडेट करते हैं, तो मैंने अपडेट का बटन प्रेस किया तो ये पूरा पोस्ट देखें अब गायब हो गई, और उसकी जगह पे क्या आ गया, एंटर न्यू टेक्स्ट फॉर दिस पोस्ट, ये आ गया, और डू चेंजेस का बटन आ गया। अब मैंने इसमें कहा कि भाई ए एस डब्ल्यू एफ आर टी वाई, ठीक है, एक रैंडम टेक्स्ट मैंने लिखा और डू चेंजेस का बटन दबाया तो ये चेंजेस हो गई, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो भी ये यही रहेगा, ठीक है, डेटाबेस में ही चेंज हो चुका है। तो ये हमने क्रड ऑपरेशन यूआई पे कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, किसी का कोई सवाल है तो कोड को स्टडी करें, ठीक है, उसको खुद ही समझ आ जाएगा चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये तरीका निस्बतन वैसे आसान था ना, अलर्ट वाला एक ही लाइन में हो गया था, ये प्रॉम्प्ट वाला। अब मैं सर्वर पे आ जाता हूँ अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये इंपोर्ट वाला जो सिंटैक्स है हमारा, ये हम काफी दफा अब लिख चुके हैं तो इसका आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी चीज में अगर इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो आपको तो आप अलग से गूगल करेंगे तो आपको वो होपफुली पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हो रहा है। ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स क्यों लगा रहे हैं, ऐसे ही बिलावाजा लग गया था एक्स्ट्रा, खैर। अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेस हमारी एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम सर्वर लिखने के लिए, असल में ये लाइब्रेरी बनाई गई है,
ठीक है, असल में सर्वर तो हम टेक्निकली डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वर एक्चुअल में ये है ही नहीं, सर्वर तो एंजिनिक्स को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन सर्वर के बाद रिक्वेस्ट इस जगह पर जा रही होती है, तो ये भी सर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब बावजूद इसके कि ये एक्चुअल सर्वर ये नहीं है, लेकिन जब फ्रेमवर्क्स की बात आती है तो ऐसा ही बोला जाता है कि एक्सप्रेस जो है वो सर्वर लिखने का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, सर्वर लिखे जाते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में। अच्छा, तो ये हमारा इम्पोर्ट हो गया, ये एज अ लाइब्रेरी ये काम कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, इम्पोर्ट कोर्स हमने किया है, कोर्स जो होता है ना वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली कि क्या होता है। असल में गूगल क्रोम और जो मेजर ब्राउजर्स हैं उन्होंने एज अ सिक्योरिटी फीचर ये चीज़ मुतारुफ कराई है कि अब जितनी भी जदीद वेबसाइट्स हैं वो जब उसमें कोई भी बटन प्रेस किया जाता है और सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है तो गूगल क्रोम ना उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली नहीं भेजता। गूगल क्रोम क्या करता है, उस सर्वर से पहले पूछता है कि भाई ये रिक्वेस्ट मैं भेज दूं आपके पास या नहीं भेजूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ती है आपको सर्वर के ऊपर, राइट। तो वो कोडिंग जाहिर है एक एक, एक बॉयलर प्लेट है जो आपको करनी पड़ती है कि भाई जब भी ब्राउजर आपसे पूछे, ठीक है, तो आपको ब्राउजर असल में ऑप्शन की रिक्वेस्ट करता है, जैसे गेट पोस्ट पुट डिलीट है ना चार हैं, ब्राउजर आपको ऑप्शन की रिक्वेस्ट करता है इसके ऊपर, तो उसके लिए आपको एडिशनल कोड लिखना पड़ता है। तो इन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी है कोर्स के नाम से, तो इस लाइब्रेरी को जस्ट आप ये एक लाइन ऐड कर देते हैं ना तो पीछे जितना भी बॉयलर प्लेट है वो संभाल लेती है ये लाइब्रेरी, राइट। तो जब भी गूगल क्रोम पूछता है कि भाई इसको मैं रिक्वेस्ट करने दूं या नहीं दूं, तो ये आपको करने देता है, ठीक है। हम कोर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन भी देख चुके हैं कि अभी तो कोर्स हमने सीधा सीधा लगा दिया ना खाली, कि इस कोड का मतलब है कि सब लोगों को जो है ना आप अलाउ कर दो कि कोई भी इस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हम प्रोडक्शन में ऐसा नहीं करते हैं। हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इसको हम ओरिजिन का पूरा एक एरे देते हैं, राइट, हम एक ओरिजिन का पूरा एरे देते हैं और उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, जहां पे भी मेरे जैसे हरिको का मेरा जो यूआरएल है पूरा सर्वर का, वो पूरा यूआरएल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इसी यूआरएल से मुझे रिक्वेस्ट आया तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज किसी और से एक्सेप्ट ना करो, या फिर हमारा जो कस्टम डोमेन है वो यूआरएल, हाँ पर्सनल जो आपका जो भी यूआरएल है, जहां पे भी आपकी ऐप यानी यूजर जब खोलता है आपकी ऐप को तो ऊपर एड्रेस बार में जो बात लिखी भी आती है, ठीक है, अगर वो लिखा हुआ आ रहा है google.com तो यहाँ पे आप google.com, अगर लिखा हुआ है sysborg.com तो यहाँ पे आपको sysborg.com लिखना है, ठीक है ना। तो फिर उसके अलावा गूगल क्रोम किसी और वेब को ना आपको एक्सेस नहीं करने देगा सर्वर को, ठीक है। अच्छा, बावजूद इसके के गूगल क्रोम रोक देता है उसको, लेकिन आपका सर्वर फिर भी दूसरे लोग एक्सेस कर सकते हैं, या तो किसी चीपर ब्राउजर से जो चीप ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जैसे टॉर वगैरह हैं, वो उस कस्टमाइजेबल होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई चीप ब्राउजर ऐसा हो जिन्होंने इन चीजों का ख्याल ना रखा हो, या हो सकता है कि टॉर के जैसा कोई कस्टमाइजेबल ब्राउजर हो जिसके अंदर इन चीजों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन हो कि भाई ये क्रॉस ओरिजिन का हटा दो, यानी चेक हटा दो, डायरेक्ट जाने दो, ठीक है, या फिर पोस्टमैन वगैरह इस तरह की जो टेस्टिंग टूल्स हैं इनके जरिए आपका सर्वर स्टिल एक्सेस किया जा सकता है। ये कोई ऐसा सिक्योरिटी फीचर यानी कि ये सिर्फ आम लोगों के लिए एक इन्होंने चेक लगाया हुआ है, सिक्योरिटी चेक, अदरवाइज ये ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इसके जरिए बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमने फिलहाल लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद MongoDB की URI, ये MongoDB का हमने जो क्लाउड है वो हमें फ्री 500 MB का डेटाबेस देता है, और उस डेटाबेस को हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था, आप सब लोगों ने देखा था कि वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों से ये बन गया होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिससे ये MongoDB पर डेटाबेस क्रिएट ना हो सका हो या कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तो अभी मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपका प्रॉब्लम देख सकता हूँ। कोई है ऐसा जिससे ये डेटाबेस ना बनाओ या बन गया हो लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा हो या किस तरह का कोई इशू आ रहा हो? ये MongoDB एक ही डेटाबेस देता है, तो ऐसी कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल डेटाबेसेस देता है फ्री में? अच्छा, ये असल में ना एक क्लस्टर देता है आपको, ये लिखा हुआ है ना माई फर्स्ट डेटाबेस, ये आपके डेटाबेस का नाम है, इसको मैंने कर दिया कि माई सेकंड DB, इसमें स्पेस नहीं डाल सकते आप, माई सेकंड DB, तो ये ऑटोमेटिक सेकंड DB क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा, बल्कि लास्ट सेक्शन जो था आपसे पहले एक
उसमें किसी दोस्त ने ये सवाल भी किया था मुझसे कि अगर गलती से मेरी ऐप प्रोडक्शन में चल रही है और गलती से ये डिप चेंज हो गया हल्का सा ही, तो क्या होगा? मतलब ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ये चेंज हो गया गलती से तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा कि मतलब जैसे माई फर्स्ट डेटाबेस था, अब माई सेकंड डेटाबेस हो गया, तो नई आने वाली जितने भी पोस्ट है यूजर्स की तरफ से वो सब इस नाम से जो डेटाबेस है उसमें जाना शुरू हो जाएगी। और यूजर अगर क्वेरी करेगा पोस्ट, मतलब जैसे फेसबुक खुलता है तो वो जाहिर है डेटाबेस से उठ के आती है चीजें, तो वो फिर क्या करेगा, वो इस नए डेटाबेस में तलाश करना शुरू कर देगा उसको, तो आपकी एप्लीकेशन पूरी अपसाइड डाउन हो सकती है। मतलब बंदा देखेगा यार अभी तो मैंने पोस्ट की थी वो गायब हो गई, सबकी पोस्ट गायब हो गई, ठीक है, नई पोस्ट करेगा वो शो हो जाएगी नई पोस्ट, क्योंकि अब नया डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह की गलती अब अफोर्डेबल नहीं होती प्रोडक्शन में। अच्छा, फिर उसके लिए कुछ ये मेजर्स लेते हैं, वो मेजर्स ये लेते हैं कि इस इन चीजों को ना ब्लॉक कर देते हैं वो, मतलब ये एक अलग फाइल बना के उसमें ये चीजें लिखते हैं और उस फाइल को वो ब्लॉक कर देते हैं कि उस फाइल को चेंज ना किया जा सके। जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो उस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाता, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में चीज चल रही होती है, उसका एक्सेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बंदे के पास होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, 200 300 400 डेवलपर अगर काम कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट पे, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है कोई, तो उस केस में भी क्या होता है, ये जो होता है ना ये मेन कोड में होता ही नहीं है, ये एक अलग से एक फाइल होती है छोटी सी उसमें होता है, और डेवलपर को वो फाइल ना दी जाती है ना डेवलपर उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, ठीक है जी। सही। तो माई सेकंड वो कैसे करते हैं, लाइक वो दूसरे फाइल में कैसे रखवाते हैं और क्या करते हैं उसको? इन देखें, अभी अगर हरिको पे भी आप जाए ना, तो हरिको में एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मौजूद है ना, अगर आपने देखा होगा। हां, process.environment.port जैसे हमने उठाया था, ये जो पूरा यूआरएल है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ठीक है, और कट करके मैं इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख दूं, तो फिर मैं इसको कैसे कट कर रहा, फिर मैं इसको करूंगा mongo url या जो भी आपने उसका नाम रखा है, mongo uri। डेवलपर को ना ये दिख रहा होता है, डेवलपर को ये नहीं पता होता कि इसमें एक्चुअल में अंदर कौन सा url है, तो ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है कि भाई डेटाबेस का url सब डेवलपर देखेंगे तो कल को कोई, मतलब क्योंकि इस url के जरिए ही तो सारा एक्सेस है ना डेटाबेस का, इस url को रीड और राइट दोनों का एक्सेस है, तो ये वल्नरेबिलिटी से भी बचते हैं इस तरह, और चेंज भी नहीं होता ये। लेकिन अगर चेंज हो गया, जैसे हमारे केस में मैंने माई सेकंड डीबी कर दिया, अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पोस्ट सारी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये किस डीबी में है पोस्ट, माई फर्स्ट डेटाबेस में। यस, ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये है सेकंड के नाम से एक पोस्ट क्रिएट की मैंने, अब ये यहाँ पे यही वाली पोस्ट नजर आती रहेगी मुझे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो चुका है, एक अदद नया डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको वापस से करूंगा ना, जब माई फर्स्ट डेटाबेस, तो वो मुझे वापस से पुराना वाला डेटा दिखेगा, ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे डेटाबेस में गायब है, ये पुराना वाला आ गया, सेकंड वाला खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इस तरह की कोई चीज अगर हुई तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। Got it. Thank you. सर, हर वेब और या ऐप के लिए अलग डेटाबेस होता है। इवन एक एप्लीकेशन में भी समटाइम मल्टीपल डेटाबेसेस यूज हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम फेसबुक की मिसाल लें, क्योंकि फेसबुक एक बड़ी एप्लीकेशन है इसलिए मैं ज्यादातर उसकी मिसाल देता हूँ, वैसे आप किसी भी दूसरी ऐप पे इसको रख के देख सकते हैं, जैसे दराज की बल्कि हम मिसाल लें, या अमेजोन का जो स्टोर है ऑनलाइन उसकी अगर हम मिसाल लें, तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जो यूजर्स का डेटा होगा, यानी यूजर जिसमें साइन अप हुआ होगा, वो एक अलग डेटाबेस में होगा और उसको वो बहुत सिक्योर करके रखते होंगे, ठीक है। अच्छा, एक उनके ऑर्डर्स होंगे जो वो डेली बेसिस पे ऑर्डर्स कर रहे हैं, वो दूसरे डेटाबेस में रखते होंगे, ये मेरा एक आइडिया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐसा करते होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेटा डेटा टाइप की होती है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई तीसरा डेटाबेस बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूजर के लिए, यानी यूजर जिसमें साइन अप होता है, तो जो यूजर का डेटा बेस बन रहा होता है, वो डेटा बेस हर बड़ी कंपनी अलग रखती है, और उसका बकायदा एक नाम भी इन्होंने क्वाइन किया हुआ है, उसको कहते हैं यूजर बेस, होता हो डेटा बेस ही है, लेकिन उसको प्यार से उन्होंने क्या कहा हुआ होता है, यूजर बेस कहा हुआ होता है, ठीक है।
तो अब फिर यूजर बेस के अंदर जो 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 सिक्योरिटी की परमिशंस वगैरह लगती हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं, यानी एक नॉर्मल वाले यानी डेटाबेस से, इसीलिए उसका उन्होंने नाम कॉइन किया हुआ यूजर बेस। तो लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो एक ही डेटाबेस में सब करते रहें, कोई फर्क नहीं है, इतना मसला नहीं है कोई। थैंक यू। नहीं, ये अच्छा बता दिया आपने कि एसेंशियली यू कैन हैव मल्टीपल डेटाबेसेस इन द सिंगल क्लस्टर। इसको मैं दोबारा लगा दे रहा चलो। सर एक सवाल पूछना था। जी दोस्त। जी दोस्त, आ रही है आपकी आवाज, पूछें। हेलो 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 हेलो। सर ये मल्टीपल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों, मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर? नहीं, मल्टीपल टेबल्स तो हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मल्टीपल डेटाबेसेस भी रखते हैं लोग, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें टेबल्स को हम कलेक्शन कहते हैं ना, राइट? इसको टेबल्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कह रहे होते हैं। तो जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ना, ये वाला, ये मैंने पोस्ट बनाया हुआ है। अब इसी तरह मुझे अगर एक और बनाना है यूजर्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा यूजर, ठीक है? यूजर साइन अप होगा, इसमें जा रहा होगा वो, मैं सारे में चेंज करूंगा मैं, बट ये एक्चुअल वो चीज है जो डेटाबेस में एक्चुअली जाके। तो ये मेरे पास दो कलेक्शन बन गई इस वक्त, ठीक है? ये तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन लोग अलग डेटाबेस भी पूरा रख रहे होते हैं, खास तौर पे यूजर के लिए अलग डेटाबेस रख रहे होते हैं। तो जो हम ये स्कीमा या मॉडल बना रहे हैं वो इसेंशियली एक कलेक्शन का मॉडल है। कलेक्शन है एसेंशियली, ये क्या है, जैसे सीक्वल डेटाबेसेस में टेबल्स बन रही होती हैं, इसमें ये कलेक्शन है, एक कलेक्शन, वन सही। कलेक्शन विल हैव, यानी जैसे पोस्ट नाम है उसका। वैसे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब आप तो किसी में भी कुछ भी रख सकते हैं ना, क्योंकि मॉन्गोडीबी भी स्कीमा लेस है, तो आप चाहें ना तो एक ही कलेक्शन के अंदर आप पोस्ट यूजर वूजर सब डाल सकते हैं, राइट। ठीक है? कर सकते हैं आप, मतलब थोड़ी अटपटी सी बात लगती है, लेकिन मोंगोडीबी में आप ये भी कर सकते हैं और सही चलेगा बिल्कुल, वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। बिकॉज इन इन हार्ड ड्राइव, अगर आप मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो हार्ड ड्राइव में ये जेसन बनाता है, वन सिंगल जेसन फॉर अच्छा योर होल डेटाबेस, ठीक है? अच्छा उसको वो कहते हैं बाइनरी जेसन। तो आप अगर इवन के आप अलग अलग कलेक्शन बना रहे हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट उस तरह से कर रहा है कि अलग अलग कलेक्शन है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे वो क्या होता है, एक सिंगल जेसन फाइल होती है जो हार्ड ड्राइव में सेव होती है, वो बाइनरी बाइनरी जेसन, उसको बी सॉन कहते हैं, बी एस ओ एन। तो वो बाइनरी जेसन वो एक सिंगल फाइल होती है, तो फर्क नहीं है, मतलब आप अलग कलेक्शन बनाए तो भी उसी तरह सेव होगी वो, एक ही कलेक्शन बनाए तो भी। तो ये भी आप कर सकते हैं कि एक ही कलेक्शन में सब भर दें, ठीक है? बट स्टिल आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू डू दैट, बिकॉज वो क्या करेगा कि डेवलपर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देगा, कि भाई डेवलपर बोलेगा भाई यार ये क्या इन्होंने किया हुआ है, तो वो बाद में उसको जाहिर है मॉडिफिकेशन जब करेंगे, चीजें जाहिर है चेंज करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ, एप्लीकेशन में बग्स भी आते हैं, नए फीचर्स भी डालने पड़ते हैं, तो वो डेवलपर जाहिर है एक ही डेवलपर नहीं होगा, कल को डेवलपर कोई चेंज होगा तो वो कहेगा यार ये क्या बना दिया इसमें। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा जो स्टैंडर्ड वे है, और मोंगोडीबी ने डॉक्यूमेंटेशन में भी अपने बताया है कि भाई अलग अलग कलेक्शन ही आपने बनानी है, अगर कोई ऑर्डर्स हैं तो उनके लिए अलग है, ठीक है? जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उनके लिए अलग है, फिर इसी तरह आपके पास अगर कोई ब्लॉग पोस्ट हैं तो ब्लॉग्स के लिए आप एक अलग कलेक्शन बनाएंगे, उसमें सारी ब्लॉग पोस्ट होंगी आप। तो ये इस तरह ही रेकमेंड किया हुआ उन्होंने। और जो डिफरेंट डेटाबेस है, असल में मैं आपको ये भी जरा बताने की कोशिश करता हूँ कि वो अलग डेटाबेस का बेनिफिट क्या है। शायद आपका सवाल ये है असल में, उमर खलील भाई ने जो पूछा है अभी, आपका हाँ शायद सर, एक्चुअली सवाल है सर कि यार अलग डेटाबेस का वो बेनिफिट ऐसा क्या हो रहा है कि अलग डेटाबेस बना रहे हैं। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा वो इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज, तो आपसे मैं डिसकनेक्ट हो गया था। सवाल मेरा ये था कि अलग डेटाबेस मतलब, जैसे मेरा तो सरासर ताल्लुक एसक्यूएल डेटाबेस से रहा, तो उसी की नस्बत से मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे उसमें तो मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो हम टेबल सेपरेट कर लेते हैं, यूजर का अलग और अलग सब अलग। तो यहाँ पे मैंने सुना आपसे कि ये डेटाबेस ही हम अलग बना रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा। नहीं, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छा, लेकिन ना सीक्वल में भी ना, अब असल में सीक्वल में ना कुछ कुछ मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस है वो, तो उसमें अगर हम ना भी बनाए ना तो उसमें काम हो जाता है ये वाला, ठीक है? लेकिन मोंगोडीबी में लोग
एक बेनिफिट में बता, वैसे तो और भी बेनिफिट्स होंगे लेकिन एक बेनिफिट मुझे अभी जहन में आ गया वो मैं बता देता हूँ कि अलग डेटाबेस बनाने से ना क्या फायदा होता है। असल में आपको ये बात पता होगी कि डेटाबेस का ना रेप्लिका सेट बनाते हैं, डेटाबेस जब भी बनाते हैं हम तो उसका एक रेप्लिका सेट बनाते हैं, ठीक है। रेप्लिका सेट जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई डेटाबेस बनता है हमारा तो उसका रेप्लिका सेट होता है। रेप्लिका सेट क्या चीज होता है, उसी डेटाबेस की एक कॉपी होती है, राइट। तो उसी डेटाबेस की एक कॉपी होती है जो जाहिर है एक आपने MongoDB एटलस पे होस्ट कर दिया, एक आपने Amazon AWS के क्लाउड पे होस्ट कर दिया, ठीक है। सेम नाम से दो डेटाबेसेस हैं ये। जब आप एप्लीकेशन में कनेक्ट करेंगे ना इसको तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कनेक्ट करके ना यहाँ कॉमा डाल के रेप्लिका जितने भी है ना वो लिस्ट बना देते हैं पूरी। अब वो अभी हम कवर नहीं कर रहे इसमें कि वो रेप्लिका सेट एक्चुअली सेटअप कैसे करते हैं क्योंकि वो फिर एक लंबी कहानी है, फिर उसमें दोनों की प्रायोरिटीज वगैरह सेट करनी होती है, किसको कितना रिसोर्स देना है नहीं देना है, वो काफी लंबी कहानी है, ठीक है। तो हम वो कवर नहीं कर रहे, बट इसके साथ में डाइजेस्टर रिकवरी है ना जी दोस्त, डाइजेस्टर रिकवरी के लिए करते हैं ऐसा। हाँ, के लिए करते हैं, हाँ रिडंडेंसी के लिए करते हैं ताकि दो जगह पे डेटा सेव हो। तो एक जगह से अगर डाउन हो, खुदा ना खास्ता अगर एक जगह पे सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरी जगह पे मतलब वो दूसरी जगह पे उसको वो शिफ्ट कर दे, और वो इसी लेवल पे हो रहा होता है। यहाँ जो डॉट कनेक्ट है ना ये डिसाइड करता है कि कौन से डेटाबेस पे रिक्वेस्ट मारनी है। तो यानी लोड बैलेंसिंग भी ये खुद ही कर रहा होता है, बट इसको एक दफा बताना पड़ता है कि कैसे कैसे प्रायोरिटी का क्या चक्कर है। तो यानी लोड बैलेंसिंग भी हो जाती है इससे थोड़ा सा, ठीक है। डेटा भी रिडंडेंट हो जाता है आपका कि भाई दो जगह पे हो गया डेटा। तो वो सेटिंग असल में फिर इस तरह करता है कि एक डेटाबेस पे तो वो डायरेक्ट हिट मार रहा होता है, यानी कोई भी पोस्ट करेगा तो वो एक डेटाबेस प्राइमरी होता है उसका, बाकी दो तीन चार पांच रेप्लिका सेट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है रेप्लिका सेट। तो वो रेप्लिका सेट को थोड़ी देर बाद अपडेट करता है, जब देखता है ना कि थोड़ी मतलब ट्रैफिक थोड़ी कम हुई है तो वो मौका देख के जल्दी से अपडेट कर देता है, लेकिन वो इतना फर्क नहीं होता, वो कुछ एक डेढ़ सेकंड में उसको अपडेट कर देता है। तो वो डेटा फिर वहां पे भी चला जाता है, दोनों जगह पे चला जाता है। तो अब होता ये है कि जाहिर है आपका डेटाबेस ना बहुत बड़ा होता है, राइट। तो मिसाल के तौर पे अगर जैसे फेसबुक जैसी कंपनी है, इनका जो डेटाबेस है वो टेराबाइट्स में होगा। तो अब उतने बड़े डेटाबेस का ना तीन या चार या पांच रेप्लिका बनाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े डेटाबेस का, राइट। तो इस वजह से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, जैसे यूजर बेस है इनका, यूजर बेस मोस्ट प्रॉब्ली जैसे 2 बिलियन यूजर ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास है, फेसबुक क्लेम करते हैं। तो 2 बिलियन यूजर का जो डेटाबेस है वो मेरे ख्याल में कोई 2 GB का होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। MongoDB बहुत लाइट वेट है, 2 GB भी बल्कि मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 GB का होगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यूजर बेस की बात कर रहा हूँ, यूजर बेस में यूजर की ईमेल, यूजर का पासवर्ड, एक अदद प्रोफाइल पिक्चर, उसका पोस्टल एड्रेस वगैरह जो इस तरह की चीज उन्होंने ली हुई है, ठीक है। फिर उसका जो वेरिफिकेशंस हैं, फोन नंबर वगैरह जो ये चीजें, OTP के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज मिलके ना एक यूजर बन जाता है, ये दिस इज अ यूजर, ठीक है। तो ये यूजर बेस के लिए बिल्कुल अलग डेटाबेस आमतौर पर रखते हैं, मैंने देखा है कई कंपनीज को कि वो अलग रखते हैं। तो अब ये जो डेटाबेस है ना 2 GB वाला, इसका तो ये 20 रेप्लिका भी बना सकते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर रिडंडेंसी के लिए फिर बैकअप्स भी लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रेप्लिका पे मतलब रिलाय नहीं कर रहे होते, रेप्लिका पे भी रिलाय कर रहे होते हैं, लेकिन असल में बैकअप्स भी लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे स्नैपशॉट्स लिए जा रहे होते हैं। तो जाहिर है उन बैकअप्स के एतबार से भी अगर हम देखें तो अगर ये वन सिंगल डेटाबेस होगा ना तो बैकअप लेते हुए भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसका बैकअप फ्रीक्वेंटली लेना है, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी कम है उसका बैकअप कम यानी देर से लेना है। मिसाल के तौर पे अगर ये ऐसा करना चाहें कि यार यूजर बेस जो है ना मेरा उसका आप हर एक घंटे बाद बैकअप लो, ठीक है, और पिछले 30 डे का बैकअप रखो, यही सेटिंग होती है ना बैकअप की, कि हम क्या कहते हैं, हम एक ड्यूरेशन बता देते हैं कि हर एक घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद बैकअप लो और पिछले 30 डे का बैकअप कीप करके रखो, कैरी करके रखो, ठीक है, बाकी उससे पुराने डिलीट करते जाओ। तो मतलब अगर ये सिंगल डेटाबेस होगा तो उसको मैं अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कई टेराबाइट्स का जो डेटा है ये यानी जीटाबाइट का डेटा होगा जो फेसबुक की पोस्ट्स हैं, क्योंकि उसमें वीडियोज भी शामिल हैं, वीडियोज काफी हैवी होती हैं,
ठीक है, उसमें 3D वाली भी चीजें अभी उन्होंने कर दी हैं, वो भी है उसमें। फिर फोटोज हैं काफी सारी, फोटोज का भी हैवी होती है नस्बतन, यानी एक छोटी सी भी फोटो होगी ना तो वो कम से कम क्या होगी 300, 400, 500 KB की फोटो होती है, ठीक है। ऑन अदर हैंड पूरी बुक भी आप लिख देना टेक्स्ट फॉर्मेट में तो वो भी 300 KB की नहीं बनेगी, ठीक है। वो 300 KB की बनने में उसको बहुत टाइम लगेगा, पूरी 500 पेज की बुक भी 300 KB की नहीं होगी, उससे कम की होगी। तो इस एतबार से इसको फिर बैकअप्स में भी अलग अलग ट्रीट करते हैं। यूजर बेस का जो बैकअप है वो फ्रीक्वेंसी उसकी जल्दी जल्दी होती है, जो पोस्ट का जो होता है पूरा अलग से डेटाबेस उसका बैकअप जाहिर है थोड़ा स्लो होता होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसका 24 घंटे में वो एक बार बैकअप लेते होंगे, ठीक है, और 60 डे तक उसको कैरी करते होंगे या 100 डे तक कैरी करते होंगे। तो इस वजह से अलग डेटाबेस के ना ये कुछ बेनिफिट्स हैं। ये जो क्लोन करता है ये बाय डिफॉल्ट करता है, उसको बताना पड़ता है जो बैकअप के लिए जो स्केड्यूल करते हैं वो? Not like snapshot, the one we were talking about before the snapshot, कि एक मिरर इमेज बनाता है। रेप्लिका की बात की है एक मैंने। रेप्लिका के बारे में। रेप्लिका is like mirror image in my head, तो वो रेप्लिका जो है वो by default कर रहा होता है या उसको हमें बताना पड़ता है कि भाई करो ये चीज़? असल में रेप्लिका क्या होता है ना कि जैसे ये MongoDB का मैंने एक बना लिया ना इसी तरह, इसी तरह मैं MongoDB का एक और बना लूंगा। और यहाँ पे मुझे कन्फिगर करना पड़ता है रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट अगर मैं गूगल पे जाके लिखूंगा ना, ठीक है, कॉन्फिगर MongoDB रेप्लिका सेट Node.js, तो ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये इन्होंने पूरा गाइड दिया हुआ है, ठीक है ना, डिप्लॉय रेप्लिका सेट, रेप्लिकेशन को पूरा मैनुअल है रेप्लिकेशन का, उसमें क्या किया इनके मतलब फीचर्स हैं वो सारे यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोड एग्जांपल भी दिया होगा इन्होंने। ठीक है, ये रेप्लिकेशन रेप्लिका सेट का नाम रखा, RS0, RS1, RS2, RS3, उसके बाद यहाँ एड्रेस होगा, यहाँ होस्ट नेम होगा, उसके बाद इसका एड्रेस होगा मोंगोश, ठीक है। इस तरह से ये तीन रेप्लिका देखें इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3। अब ये उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है हर रेप्लिका सेट की ना, कि ये प्रायोरिटी वगैरह इसको सेट करनी पड़ती है। ये अब ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, अब ये एक एक प्रॉपर्टी को ना अच्छी तरह समझना पड़ेगा, वरना ऐसा सरसरी समझ में नहीं आने वाली चीज है ये। नहीं, लेकिन ये अच्छा हो गया। द थिंग इज व्हाट हैपेंस समटाइम्स, लाइक कल हम जब ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे हमें पता ही नहीं था क्या सर्च करे, कि मतलब गूगल से भी पूछे तो पूछे क्या कि भाई हमें लाइक यू नो हाउ डू आई गेट दैट आईडी फ्रॉम दैट बटन, बट दैट्स लाइक यू नो समवन हु कैन विजुअली सी इट कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, गूगल कांट। सो हाँ, यही वजह है कि आज मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ये चीजें डिस्कस हो जाए, इसी वजह से मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी चीजें। अच्छा, ये मोंगोस में कैसे सेट होता है रेप्लिका, ये किसी ने दोस्त ने बताया हुआ, इसमें निस्बतन थोड़ा छोटा सा कोड है, लेकिन जाहिर है कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसमें भी पूरा ही होगा। जैसे इन्होंने ना ये कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ एक ऑप्शन पास किया है, बाकी कोई ऑप्शन इन्होंने पास ही नहीं किया। सही, ठीक है। तो ये लेट्स कनेक्शन mongodb.createConnection, अब उसके बाद ये एक URL, ये सेकंड इसने यहाँ पर बनाया हुआ है और ये थर्ड इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये तीन URL इन्होंने पता नहीं क्या किया, थोड़ा ये मुश्किल सा लिखा है कोड इन्होंने, लेकिन शॉर्ट करके लिखा है। इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी इन्होंने बताया होगा कनेक्टिंग टू DB, ये मोंगोस की अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये रहा रेप्लिका सेट कनेक्शंस, ठीक है। ये रेप्लिका सेट कनेक्शन जो है ना इस तरह करके है। अब इन्होंने ये सिंटैक्स बताया है कि mongodb/username:password, उसके बाद होस्ट, उसके बाद पोर्ट, और कॉमा डाल के सेकंड होस्ट, कॉमा डाल के सेकंड पोर्ट, ठीक है, और कॉमा डाल के ये एन होस्ट और एन पोर्ट और स्लैश डेटाबेस नेम। अब ये इसमें ना एक ही URL में भी पूरा आप डाल सकते हैं, जितने भी होस्ट आपके पास है ना, यानी एन होस्ट तक वो पूरा डाल सकते हैं। अब इस URL में अगर हम देखें ना कि होस्ट क्या है, तो होस्ट हमारा है ये इतना पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड होस्ट, राइट। तो ये एन होस्ट है। अच्छा, पोर्ट उसके बाद हमने यहाँ पे पोर्ट मेंशन नहीं किया क्योंकि वो डिफॉल्ट पोर्ट पे, यानी मोंगोडीबी क्लाउड जो है ना वो ऐसे बोलता है कि आपको पोर्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पे आपको जरूरत पड़ती है ना पोर्ट मेंशन करने की, तो मोंगोडीबी की एक डिफॉल्ट पोर्ट होती है, वो लिखेंगे ना मोंगोडीबी डिफॉल्ट
पोर्ट तो वो दिख जाता है, ठीक है। ये MongoDB का डिफॉल्ट पोर्ट है सब जगह पे, यानी जितने भी क्लाउड हैं जो आपको होस्टिंग देते हैं MongoDB की, उनके लिए जरूरी है कि वो यही पोर्ट इस्तेमाल करें, ये डिफॉल्ट एक तरह से कंसिडर की जाती है, ठीक है। आई रिसेंटली मैं गूगल कर रहा था, मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ना मैं जब 5000 पे कोई भी चीज रन करता था अपने पीसी में, जैसे अभी मैंने इसको कहाँ रन किया हुआ, 3000 पे रन किया हुआ, तो मैं जब 5000 पे रन करता था तो मुझे वो पोर्ट अनअवेलेबल मिलती थी। मैंने पीसी पूरा रीस्टार्ट कर लिया, लैपटॉप अपना, वो सही होके नहीं दे रहा था, और ये एक महीने से मैं मसला फेस कर रहा हूँ। तो वो मैंने गूगल किया ना आज, मैंने कहा यार गूगल तो करूँ, ये चक्कर है क्या, मुझे लगा कोई चीज बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गई है मेरे पास जो मेरा पोर्ट 5000 इस्तेमाल कर रही है। तो मैं थोड़ा ऐसे वो भी हो गया था, कंसर्न भी हो गया था इस चीज को लेकर। मैंने गूगल किया, उसने कहा भाई ये जो नया वाला अपडेट आई है ना मॉन्ट्रारी की, इसमें इन्होंने एयरप्ले का रिसीवर लगा दिया है, मतलब अब मैं मोबाइल फोन से कोई भी चीज एयरप्ले करता हूँ तो लैपटॉप पे भी वो चलेगा, मतलब इन्होंने अभी ये किया। तो वो एयरप्ले का जो लोकल सर्वर है वो 5000 पे डिफॉल्ट। मैंने कहा वाह क्या बेहतरीन काम कर दिया। कोई दूसरा पोर्ट यूज कर लेते, 28358 इस तरह भी कोई कर सकते, 5000 कर दिया। फारूक भाई ने हमसे बात पूछी थी कि फ्रीलांसिंग के लिए, तो यू नो दैट फ्रीलांसिंग माइंडसेट एंड व्हाट टू डू फॉर फ्रीलांसिंग, दैट इज वन थिंग आई जस्ट वांटेड यू टू पुट ऑन योर रेडार कि ये लोगों से बात करनी है। एंड द अदर थिंग इज डेटा स्ट्रक्चरिंग या फिर लाइक नेटवर्क, नॉट नेटवर्क बट लाइक सिस्टम आर्किटेक्चर, उसकी बात की लाइक व्हेन यू आर डिजाइनिंग एप्स और लाइक यू नो क्रिएटिंग एप्स फ्रॉम ग्राउंड अप, हाउ आर वी थिंकिंग अबाउट इट। जी मैं अभी ये जरा हम ओवरव्यू कर लें इसका, फिर हम इन चीजों पे बात करते हैं इंशाल्लाह, हमारे पास टाइम। जरूर जरूर, मैं बस लाइक आपके रेडार पे डाल के रख रहा हूँ ये दो बातें, जब भी आपको फुर्सत मिले तभी। अच्छा, ये जो चार पांच लाइनों का कोड लिखा हुआ है ये बॉयलर प्लेट कोड है। ये काम क्या करता है कि MongoDB जब कनेक्ट हो जाता है तो आपको ये लिखा हुआ बता देता है कि कनेक्टेड, जब डिसकनेक्ट हो जाता है तो लिखा हुआ बता देता है डिसकनेक्टेड, ठीक है। जस्ट आपके कंसोल पे दिखने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि MongoDB के कनेक्ट होने पे आप कोई काम करवाए तो वो भी आप इसके बीच में यहाँ करवा सकते हैं, ठीक है ना, इस जगह पे। तो ये चार, इसको कहते हैं कनेक्शन इवेंट्स, आपका माइक खुला रह गया दोस्त। अच्छा, उसके बाद है हमारा स्कीमा। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि MongoDB जो है, देखिए स्कीमा असल में होता क्या है, स्कीमा ये होता है कि कोई भी डेटा बेस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप पहले से बता देते हैं कि एक यूजर जो इस डेटा बेस में आके सेव होगा उस यूजर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पहले से बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बताते हैं कि भाई उसका एक नेम होगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और वो कितने कैरेक्टर का होगा, ये भी बता देते हैं, ठीक है। स्कीमा में आमतौर पर ये चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। फिर एक अदर रोल नंबर होगा, रोल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है, और मिनिमम जो है वो जीरो होगा और मैक्सिमम जो है, या मिनिमम वन होगा, ठीक है, या मैक्सिमम जो होगा वो 999 चार डिजिट का होगा, ठीक है। इस तरह से आप शुरू में बता देते हैं कि वो क्या होगा, किस तरह का होगा। फिर इसी तरह आपने कहा कि यार एक अदर एड्रेस होगा इसमें, वो भी स्ट्रिंग होगा और वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे लिमिट लगा दिया आपने। अच्छा, MongoDB जो है बाई डिफॉल्ट स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस का मतलब यह है कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, राइट, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा मैंने डेटाबेस का नाम चेंज किया, तो जो अगर किसी का SQL का बैकग्राउंड है तो वो उसके लिए बड़ी अजीब बात होगी कि यार SQL में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, डेटाबेस का नाम मैंने चेंज किया, तो एरर देना चाहिए उसको कि भाई इस नाम का डेटाबेस मौजूद नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, इसने क्रिएट कर दिया डेटाबेस, ठीक है, और ये टेबल भी क्रिएट, यानी जो कलेक्शन है पोस्ट के नाम से वो भी क्रिएट कर दी, पोस्ट भी जाके सेव हो गई उसमें, सब हो गया, ठीक है ना। तो ये स्कीमा लेस होने की वजह से हुआ है। इसके अंदर हमें कोई स्कीमा शुरू में बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती, हम जो डेटा देते हैं जिस तरह से देते हैं ये उसी तरह से उसको अपने पास सेव कर लेता है, वो कलेक्शन नहीं भी हो, वो पूरा डेटाबेस ही एग्जिस्ट ना करता उसको वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्कीमा बना हुआ है ये मुझे मोंगोस की लाइब्रेरी की तरफ से ऑफर किया गया कि यह स्कीमा बनाते हैं, क्यों कि स्कीमा मोस्ट ऑफ द डेवलपर फाउंड के स्कीमा
जब आप बना लेते हैं तो आपकी डेवलपमेंट में काफी आसानी पैदा होती है उससे। शुरू में तो एक दफा मेहनत लगती है कि लिखना पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान काफी आसानी पैदा होती है उससे, ठीक है। फिर दूसरा ये कि कुछ लोग जो पुराने डेटाबेसेस के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए स्कीमा से उनको सोचने में हेल्प मिलती है कि पहले से स्कीमा बनाओ, उनको देखने में अच्छा लगता है, मतलब देख लेते हैं। जैसे मैं भी कभी ऊपर आता हूँ, देखता हूँ अच्छा टेक्स्ट में स्ट्रिंग है इस तरह, देख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसकी स्कीमा की वजह से वैलिडेशन वगैरह करने में भी आसानी होती है। वैलिडेशन हमने कवर नहीं किया इसमें, इस कोर्स में, लेकिन इसमें वैलिडेशन डेटाबेस के लेवल पे भी अगर आप करना चाहें तो इस स्कीमा की वजह से मोंगोज आपको ये ऑफर कर रहा है। मोंगो डीबी ने कोई आपको वैलिडेशन प्रोवाइड नहीं की, वो बोलता है कि जो आएगा मैं ले लूंगा, मुझे नहीं पता, पहले से देख लो क्या देना है। तो ये स्कीमा इस वजह से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अब हम बात करते हैं मिडलवेयर, राइट, मिडलवेयर। अच्छा, टेक्निकली हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वर एक्सप्रेस का ये जो हम बना रहे हैं ये एप्लीकेशन, दिस इज नॉट अ सर्वर, सर्वर तो एंजिनिक्स है, ये जो है वो ऐप है। अच्छा, अब मैं उसमें एक मजीद वर्ड ऐड करता हूं टू बी मोर एक्यूरेट, मिडलवेयर ऐप है, ठीक है। ये क्या है? मिडलवेयर ऐप है। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन जब शुरू होती है, इसका कनेक्शन सेटअप वेटअप सब शुरू हो गया जब, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट मिडलवेयर, ठीक है। मान ले ऐसा कि ये पहला मिडलवेयर है। जब भी सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, यानी एंजिनिक्स पे आएगी, और एंजिनिक्स से होने के बाद फिर इस पे पहुंचेगी एक्सप्रेस पे, तो एक्सप्रेस को भी हम सर्वर ही मान के चलते हैं, ऐसे मिडलवेयर है ये। लेकिन अच्छा, तो एक्सप्रेस में जब आएगी तो रिक्वेस्ट आएगी पाइपलाइन मैकेनिज्म के तहत, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि पानी जो है वो पाइप में कहां जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमेशा, ठीक है। पाइप में कोई भी चीज आप डालते हैं, जो पाइप, अगर ऐसे वर्टिकल पाइप की बात हो रही है, तो पाइपलाइन में जब आप कोई चीज डालते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये पाइपलाइन मैकेनिज्म के तहत आएगी, सबसे पहले ये पहले मिडलवेयर पे आके हिट होगी, सही है। अच्छा, पहले मिडलवेयर पे आके हिट होने के बाद ये मैच करेगा कि भाई ये यूआरएल क्या उससे मैच हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो इसके ये अंदर दाखिल हो जाएगा और ये कोड चला देगा। अदरवाइज अगर ये इससे मैच नहीं होता है तो ये अगले मिडलवेयर पे मूव कर जाएगा, उस पर भी मैच नहीं होता है अगले पे मूव कर जाएगा, उस पर भी मैच नहीं होता अगले पे मूव करेगा, उस पर भी मैच नहीं होगा और आगे जाएगा। इसके आगे कोई मिडलवेयर ही नहीं है, तो यहां से ये क्या करेगा, बोलेगा 404 कैन नॉट गेट दिस रिक्वेस्ट। ये आप देख चुके होंगे कई दफा कैन नॉट गेट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है जब कोई भी मैच नहीं होता इनमें से। अच्छा, तो ये पाइपलाइन मैकेनिज्म समझ आया आपको? जी सर। अच्छा, अब पाइपलाइन मैकेनिज्म मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं स्टैटिक फाइल बता, एक मिडलवेयर हम और ऐड कर रहे हैं बिल्कुल शुरू में। अच्छा, वो मिडलवेयर हम क्या ऐड कर रहे हैं, मैंने कहा ऐप डॉट यूज, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट डिलीट। अच्छा, ये जो ऐप डॉट गेट है ये कब हिट होगा, जब उसकी वो मेथड भी, रिक्वेस्ट की जो मेथड है वो भी मैच हो जाए और रिक्वेस्ट का जो ये यूआरएल है वो भी मैच हो जाए, राइट। कि गेट की रिक्वेस्ट होगी और स्लैश पोस्ट और स्लैश आईडी उसकी होगी अगर, तो ये हिट होगा। कोई भी एक चीज अगर मैच नहीं हुई तो ये हिट नहीं होगा, ठीक है, इससे सब लोग एग्री करते हैं। अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो वो इसमें हिट नहीं होगी, वो फिर नीचे पोस्ट वाले में जाके हिट होगी, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ऑन अदर हैंड जो ऐप डॉट यूज है ये मेथड चेक नहीं करता, ये क्या करता है, मेथड चेक नहीं करता है ये, ठीक है जी। ये कोई भी मेथड हो, बस यूआरएल को ये चेक करता है, यूआरएल अगर सेम होगा तो ये हिट हो जाता है। अच्छा, एक और भी चीज ये चेक नहीं करता, एक और भी चीज ये चेक नहीं करता, वो क्या नहीं करता, मैंने कहा ना स्लैश पोस्ट, अगर जस्ट इमेजिन के मैंने इसको स्लैश पोस्ट करके बना दिया, ठीक है, आगे का भी बना देता हूं मैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने डमी सा एक बना दिया है छोटा सा। अब ये ऐप डॉट यूज जो है ना, एक तो मेथड ये चेक नहीं करेगा, हम ये देख चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा स्लैश पोस्ट, अब ये यूआरएल को तो मैच करता है,
लेकिन ये सिर्फ उतना ही मैच करता है जितना इसको बताया हुआ है, ठीक है, इतना मैच करता है जितना मैंने इसको बताया हुआ है। अब अगर कोई रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, उसमें क्या होता है, स्लैश यूजर अगर होता है, ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट मैंने भेजी है उसमें लिखा हुआ है स्लैश यूजर, तो वो इसमें हिट नहीं होगी क्योंकि भाई यूआरएल बिल्कुल ही डिफरेंट है ये तो। अच्छा, ये जो app dot use app dot get these are different methods for express methods and method, तो ये HTTP के methods हैं, जाहिर है जो HTTP की request हम भेजते हैं उसके method है, लेकिन ये उसको check करता है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि भाई get के method पे ही hit करना है, dot get से हम ये बता रहे हैं इसको। अच्छा, तो app dot use उसको check नहीं करता, वो चारों method पांचों method पे ये hit हो जाता है, ठीक है। अच्छा, URL सिर्फ check करता है ये। अगर URL जो आने वाली रिक्वेस्ट का URL अगर स्लैश यूजर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ये हिट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये स्लैश पोस्ट, ठीक है, URL बिल्कुल मैच कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये हिट हो जाएगा, इसके अंदर दाखिल हो जाएगी रिक्वेस्ट और यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा, सम रिस्पॉन्स चला जाएगा। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट आई मेरे पास स्लैश पोस्ट और स्लैश ABC, अब ये URL ना जितना इसमें लिखा हुआ था उतना तो मैच हो रहा है, लेकिन URL में कुछ चीजें इजाफी मौजूद हैं, ये उस सूरत में भी हिट हो जाएगा, ठीक है, जितना लिखा हुआ है ना इतना मैच हो जाए, हिट हो जाएगा। ऑन अदर हैंड, जैसे अब ये वाला है ना, क्या है, app.get/posts, अब इसके अंदर अगर कोई ये रिक्वेस्ट आती है स्लैश पोस्ट, इतनी तो मैच हो रही है, स्लैश ABC, तो ये हिट नहीं होगा क्योंकि इसको एग्जैक्टली सेम URL चाहिए होता है, ये हिट नहीं होगा, लेकिन app.use हिट हो जाएगा। ये पार्शली चेक करता है कि पार्शली अगर मैच कर जाए तो ये हिट हो जाता है। अगर मैं इसको कर दूं स्लैश, जस्ट स्लैश, तो ये हर आने वाली रिक्वेस्ट पे हिट होगा, ये क्या होगा, हर आने वाली रिक्वेस्ट पे हिट होगा ये, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ये स्लैश ना भी दूं तो भी सही है, अगर ये मैं स्लैश ना दूं तो भी क्या होगा, ये हर आने वाली रिक्वेस्ट के साथ ये हिट होगा, राइट। तो इस तरह करके ना कोई भी मैं मिडलवेयर बीच में लगा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर, app.use समझ में आ गई क्या चीज है app.use। अब हम देखते हैं कि हमने शुरू में भी ना एक दो अदद app.use लगाया है, app.use express.json, app.use कॉर्स, ठीक है, तो ये भी असल में दो मिडलवेयर है ये, लेकिन थर्ड पार्टी मिडलवेयर है ये, लाइब्रेरी की सूरत में हमने, जैसे कॉर्स को हमने लाइब्रेरी की सूरत में इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, तो ये इस तरह से ये भी मिडलवेयर है। तो असल में पहला मिडलवेयर हमारा कौन सा है, ये वाला पहला मिडलवेयर है, ये सेकंड मिडलवेयर है। अच्छा, इस मिडलवेयर में हर रिक्वेस्ट इससे गुजर के आती है, इससे गुजर के आने की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी पार्स हो चुकी होती है। लाइन नंबर 8 में जो है, इससे रिक्वेस्ट गुजर के आने की वजह से जो उसमें एडिशनल कुछ कोड ऐड करना होता है, जो ब्राउजर से, ब्राउजर ने जो पूछा हुआ होता है, वो यहाँ पे हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो असल में ये जो है हमारा, अब ये तीसरा मिडलवेयर है हमारी इस ऐप का, जब भी पाइपलाइन में रिक्वेस्ट गिरेगी आके तो सबसे पहले किस में जाएगी, इसमें जाएगी, फिर इससे निकल के इसमें आएगी, फिर इससे निकल के इसमें आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना असल में अब ये स्टेटिक समझ में वो समझ में आ गया ना app.use, अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं स्टेटिक फाइल कैसे सर्व करते हैं एक सर्वर के अंदर, ठीक है। इसके लिए मैं चला जाता हूँ एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, और इन्होंने ये इसमें पूरा तरीका बताया है, इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा, स्टैटिक फाइल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं दिखाता हूँ, मैं सब चीजें बता देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने पाथ को ऊपर इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने इसको स्लैश पे लगा दिया, इसको मैंने स्लैश पे, सॉरी स्लैश स्टेटिक ही रखता हूँ ना, क्योंकि अभी हम इसमें डाउनलोड होने वाली फाइलें कर रहे हैं चेक। सर ये इसमें app.get और post ये भी मिडलवेयर है, app.post भी मिडलवेयर है, यस ये भी मिडलवेयर है, ये सारे मिडलवेयर है, ये रिक्वेस्ट इसी इन सारे पाइपलाइन की तरह इसमें से गुजरते हुए आएगी। मैं HTTP रिक्वेस्ट का मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पोर्ट पोस्ट डिलीट पैच अपडेट मिले, लेकिन यूज नहीं दिखा वहां पे, नहीं यूज तो है ही नहीं ना,
यूज उसमें मौजूद नहीं है। यूज असल में ये तो देखें, ये गेट के नाम से भी जो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ये तो असल में एक्सप्रेस के लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बोला है कि ऐसे गेट करके करोगे ना तो सिर्फ गेट इसमें हिट होगा, कोई और हिट नहीं होगा। और एक्सप्रेस ने हमको बोला है कि ऐसे यूज करके करोगे ना तो गेट पोस्ट पुट डिलीट कोई भी रिक्वेस्ट आया वो सब इसमें हिट हो जाएगी। एक्सप्रेस ने ऐसा बोला है, यूज के नाम से कोई मेथड नहीं है एचटीटीपी का। अच्छा, सर एप.डॉट यूज ग्लोबल मिडलवेयर है? ग्लोबल मिडलवेयर नहीं, मिडलवेयर ग्लोबल मिडलवेयर का क्या मतलब हुआ? मतलब वो चलेगा ही चलेगा ग्लोबल, लेकिन क्यों कह रहे हैं मिडलवेयर? तो का मतलब ही यही है कि बीच में खड़ा हो जाता है कि और उससे गुजर के आती है चीज। आई एम नॉट श्योर कि इसको ग्लोबल नहीं कहना चाहिए आई थिंक, लेकिन खैर अगर आपको ग्लोबल से समझ आ रहा है अच्छा तो आप कह सकते हैं इसको। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर के ऊपर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, किस नाम से? स्टैटिक के नाम से। ठीक है, स्टैटिक के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, राइट। अच्छा, और मैंने कहा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ठीक है, लाइन 50 पे ये टाइपो है, स्लैश स्टैक है, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक रूट पाथ वाज रिक्वायर्ड, ये क्या लिखा है इसमें? न्यू टाइप रूट रिक्वायर्ड, रूट रिक्वायर्ड। इसको हम देखते हैं, पहले ये कोड समझ लें इतना जो हम कोड मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा एप डॉट यूज स्लैश स्टैटिक, राइट। स्लैश स्टैटिक की रिक्वेस्ट आया मेरे पास, तो मैं क्या करूं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक में ना मैं बता दूं कि भाई इस फोल्डर में चले जाओ आप स्लैश स्टैटिक, या इसका स्लैश पब्लिक नाम रख देते हैं। ठीक है, पब्लिक फोल्डर है ये, पब्लिक कर देते हैं इसको। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का आप। ठीक है, स्लैश स्टैटिक को मैंने कहा कि पब्लिक में चले जाओ। अच्छा, अब पब्लिक के अंदर ना मैं क्या कर देता हूँ, एक फाइल कोई उठा के रख देता हूँ, जैसे ये यूबंटो की, यूबंटो आईएसओ पड़ा हुआ है, ये यूबंटो के अंदर लाके पेस्ट कर देता हूँ। नहीं हुआ, कोई बच्चा इतना तंग नहीं करता होगा जितना तुम तंग करती हो, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अच्छा, ये यूबंटो ना इसमें पेस्ट हो तो चला लो, यहाँ पर भी है। अच्छा, मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर ना एक मेरे पास क्या आ गया, एक आईएसओ आ गया, राइट। ये एक आईएसओ फाइल है, 3-4 GB की फाइल है। किसी एक दोस्त का माइक ओपन है, दोस्त माइक प्लीज बंद कर लिया। और भाई आपका ठीक है, मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, एक पब्लिक के अंदर एक फाइल है। अच्छा, यहाँ पे 2, 4, 5, 10 फाइलें भी रख सकते हैं। चलो एक फाइल कोई और भी रख देता हूँ मैं, एक फाइल और कौन सी रख देता हूँ मैं, बुक्स में जाके मैं कुछ बुक्स उठा लेता हूँ, कुछ 10-12। मैं कॉपी करता हूँ इस बुक को और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो पा रहा है यहाँ पे? अरे ये क्या सीन हो रहा है यार, ठीक है, चक्कर ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जनाब, अब यहां पे होगा क्या, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे आप जाते हैं और लिंक लिखा हुआ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं आप और चीज डाउनलोड हो जाती है। वो असल में इसी के जरिए हो रही होती है, एक्सप्रेस के स्टैटिक वाले, एक्सप्रेस नहीं जाहिर है, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ उनका अपना होता है वो, तो इस तरह करके हो रहा होता है। अच्छा, स्टैटिक मैंने कहा स्लैश पब्लिक। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इन्होंने जो चीज बताई थी ना, वो इन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ तरह से बताया था, पाथ डॉट ज्वाइन करके बताया था ना। अच्छा, पाथ डॉट ज्वाइन करके बताने का इनका जो मकसद है वो ये है
कि ये जो मेरा एक्सप्रेस का जो जो एप्लीकेशन है ना मेरी एक्सप्रेस की, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि लिनक्स की मशीन पे चले, हो सकता है कभी वो विंडोज की मशीन पे चल रही हो सकता है कभी वो मैक पे चल रही हो। तो ये पाथ डॉट ज्वाइन ना, क्योंकि विंडोज में आपने देखा होगा जो पाथ होता है उसमें स्लैश उल्टा होता है, ये वाला होता है, बट लिनक्स में और मैक में स्लैश होता है ये वाला। ठीक है, आप अगर देख रहे हो कि जैसे मेरे पास ये एरर आया हुआ है तो इसमें फॉरवर्ड स्लैश आ रहे हैं सारे, राइट। तो अगर किसी के पास विंडोज मशीन है तो उसमें आप देखेंगे बैकवर्ड स्लैश उसमें आ रहा होता है। तो ये स्लैश वाला चक्कर ना, ये एक छोटा सा एक फंक्शन है, ये क्या करता है उसको सॉल्व कर देता है, राइट, उस चीज को। और ये dir नेम जो है ये कौन सा होता है, ये जो आप जिस डायरेक्टरी में खड़े हुए होते हैं ना, यानी जिस मशीन में भी जाके आपका आपका ये कोड रन होगा, उस मशीन का ना वो उसका पाथ आ रहा होता है एब्सोल्यूट, और उसके ऊपर स्लैश पब्लिक यहाँ पे मैंने उसको जोड़कर बताया हुआ है। ठीक है, स्लैश यहाँ लगा दूं तो भी सही, नहीं लगाओ तो ऑटोमेटिक वो समझ लेता है इन चीजों का मतलब। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक में बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट वो पाथ लिखता, मैंने क्या कहा पाथ डॉट ज्वाइन को इस्तेमाल करके उसके अंदर वो चीज लिखी है। ठीक है, ताकि वो उल्टे और सीधे स्लैश और बाकी जो नेमिंग कन्वेंशन हैं उनको वो संभाल ले, उसको कन्वर्ट कर ले। और तो मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद में यार यहाँ पे एरर दे रहा है स्टडी। अच्छा, dir name is not defined in ES module। अच्छा, ES module में dir name डायरेक्ट नहीं मिलता, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट कहीं पे भी प्रॉब्लम हो इस तरह करके आपने सिंपल गूगल करना है। देखो ये मैंने पहले भी देखा हुआ है और मैंने इसको अपवर्ड भी किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा भाई आप इम्पोर्ट ऐसे करो और उसके बाद इसको चलाओ इस तरह करके आप। ठीक है, तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, कह रहा है dir नेम ऐसे करके मिलेगा, मैंने कहा ठीक है जी, और कोई मसला, चल गया। ठीक है, इसने मुझे बताया भाई इस तरह करके आप अलग से इसको रिजॉल्व कर लो और फिर नीचे आके उसको लगा लो। अच्छा, तो अब मैं कोशिश करता हूं कि इस यूबंटो की जो फाइल थी मेरी उसको मैं डाउनलोड कर पाऊं, राइट। अच्छा, उसको मुझे डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका नाम मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब मैं ब्राउजर पे जाके क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्टेटिक स्लैश और मेरी फाइल का नाम, राइट। इसको लिख के मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई। ओह स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वरना वो मेमोरी में डबल डबल लोकेशन हो जाएगी ना मेरे पास। वो असल में बहुत ही ज्यादा स्पीड में वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी मशीन से मेरी मशीन में ही डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यही चीज क्या करता हूँ, अपने फोन में डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं अपने फोन में जाके क्या लिखूंगा URL, मैं अपने फोन की ना स्क्रीन को मिरर कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसमें ये खोल लिया गूगल क्रोम। कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं सर, दिख रहा है मेरा आपको ये स्क्रीन? जी दिख रही है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कॉपी किया है, जो सेम URL मैंने अपने ब्राउजर पे कॉपी किया था वही URL मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया है। ये पूरा URL असल में कॉपी नहीं हुआ है, वो सिर्फ नेम कॉपी हो गया है। तो मैं काम करता हूँ http://localhost:3000/, ठीक है static, मुझे पता है मैंने क्या URL रखा है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ फौरन। ठीक है, हो सकता है कि मतलब जाहिर है हर वेबसाइट वाले अलग तरीके से इसको रख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर में ऐसा होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा ये ख्याल है कि URL मेरा बिल्कुल सही हो चुका है। तो अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो क्या होगा, ये फाइल मेरी डाउनलोड हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा गो, ठीक है, कैन नॉट, ओ लोकल होस्ट नहीं लिखूंगा ना मैं इसमें, तो अपनी IP लिखूंगा, राइट, क्योंकि मैं सेम नेटवर्क पे हूं लेकिन मैं सेम मशीन पे नहीं हूं, तो इसके लिए मुझे अपनी IP देखनी पड़ेगी। मैं कट करता हूँ और अपनी IP जरा पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो हेयर इज माई IP 192.168। तो मैं ये लोकल होस्ट अपने फ़ोन से हटा रहा हूँ, आपको मेरा फ़ोन इस वक्त नहीं दिखेगा। 192.168.1.172। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से अपने फ़ोन की स्क्रीन मिरर करता हूँ ताकि आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिख पाए।
ठीक है, तो असल में मैंने गलती से लोकल होस्ट लिख दिया था, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे अपनी आईपी लिखनी थी, क्योंकि मैं सेम नेटवर्क पे तो हूँ लेकिन मैं सेम मशीन पे नहीं हूँ, ठीक है, तो लोकल होस्ट यहाँ पे नहीं होगा, फिर मेरी उस मशीन की आईपी होगी। अच्छा, और मैंने उसको एंटर हिट किया जैसे ही, तो ये फाइल आप नीचे देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब स्टार्ट नहीं हुई, मुझसे ये क्वेरी कर लिया इसने कि भाई फाइल डाउनलोड हो रही है, कर लूँ कि नहीं कर लूँ, तो मैंने कहा डाउनलोड कर लो, तो ये इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। और अब मेरे पास जो ये स्पीड आ रही है, ये मेरे राउटर की स्पीड है, राइट, मेरे राउटर में जो स्पीड है मतलब लोकल नेटवर्क के ऊपर, वो स्पीड मुझे यहाँ पर मिलेगी। सेम मशीन में तो ये बहुत ही स्पीड में हो रहा था, लेकिन जाहिर है अब ये राउटर से हो रहा है, तो राउटर की कुछ लिमिट्स होती हैं, 20-25 MB, 40 MB, कोई ना कोई लिमिट होगी उसकी, तो उस स्पीड से हो रहा है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, डाउनलोड को रोक देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने URL लिख के इसको डाउनलोड किया है, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका एक जाहिर बटन क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके, क्योंकि जाहिर है ये URL हाथ से तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा बंदे के लिए, ठीक है जी। तो मैं अपनी जो फ्रंट एंड है मेरा उस पे जाता हूँ। अच्छा, ये फ्रंट एंड जो है ना मेरा, थोड़ा सा अभी मैंने इसको मसला कर दिया, एक वो मसला मैंने ये कर दिया है कि अभी नया फोल्डर में शुरू में बनाना भूल गया, ये मैंने मसला कर दिया। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि ना ये इसकी पूरे की कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये एक 7 के नाम से, मैं स्टेटिक के नाम से ना एक 7 बना लेता हूँ, राइट, 7 स्टेटिक फाइल्स, राइट, और ये 6 में जो भी चेंजेस थी उसको मैं हटा देता हूँ, ताकि मतलब 6 में आखिरी जो मैंने कमिट किया था वहां तक ये रहेगा। इसको मैंने कहा व्यू एज ट्री, ठीक है, और मैंने कहा कि 6 में जो चेंजेस थी मेरी उसको आप हटा दो, ठीक है। MGS में क्या चेंज है, ऊपर मैंने चेंज किया हुआ है, और ये है 6 में चेंजेस, ये है, ये है, ठीक है। तो मैंने कहा 6 में जो भी चेंजेस थी वो हटा दो, अब 7 में जो भी नया काम आज के डेट में हुआ है वो 7 में हुआ है, मतलब जो फ्रंट क्रड हमने क्रिएट किया था वो तो मैंने कमिट करके पुश कर दिया, वो तो जा चुका है 6 में, लेकिन उसके बाद जो स्टेटिक फाइल वाली चीज मैंने स्टार्ट की है वो कहाँ है, 7 में, राइट, ओके 7, ओके 6 में अब कोई चेंज नहीं, 7 में सब कुछ। तो मैं वापस आ जाता हूँ और मैं 7 का MGS खोल लेता हूँ, ठीक है जी। और इसका जो अब जाहिर है इसमें क्रड नहीं हो रहा अब ये, तो इसका मैं क्या करता हूँ, ये पूरी चीज हटा देता हूँ जो भी इसका कोड है, बल्कि पूरा क्यों हटाऊं, बटन रहने देता हूँ। जैसे ये बटन है ना, इसको मैं कह देता हूँ डाउनलोड, डाउनलोड यूबंटू, राइट, ये मैंने कर दिया। इस बटन को प्रेस करने से यूबंटू डाउनलोड होना चाहिए। अच्छा, बाकी नीचे जो गेट ऑल पोस्ट है इसको मैं कह देता हूँ डाउनलोड का एक फंक्शन है ये, काइंड ऑफ, सही है जी। जितना कोड मुझे चाहिए उतना रख के मैं बाकी उड़ा दूंगा। लोकल होस्ट 3000, ओके ओके, स्लैश पोस्ट, अब मुझे क्या चाहिए, स्लैश स्टेटिक, ठीक है, इसको मैं गेट भी कर दूंगा क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट आमतौर पे गेट की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, पोस्ट की भी कर सकते हैं, क्योंकि गेट पोस्ट दोनों की केस में वो हिट होगा और दोनों के केस में वो चलेगा, ठीक है। मैंने कहा स्लैश स्टेटिक और स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई छोटी सी चीज उठाता हूँ, ECMA स्क्रिप्ट उठा लेता हूँ, ये ECMA स्क्रिप्ट की ये बुक है, ये उठा लेता हूँ, कॉपी मैंने किया और यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है, और बस इसमें देन वैन भी लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, बस गेट की रिक्वेस्ट पे ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और बाकी का कोड मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से करके, बल्कि अगर मैं ये यहाँ पर पास करूँ इसी फंक्शन के अंदर, कट किया मैंने और इस फंक्शन के अंदर पास किया, तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा सही इसलिए रहेगा कि एक ही फंक्शन पे रीयूज होता रहेगा।
इसका कलर क्यों चेंज हो गया? तो मैं चला के देखता हूँ कि उधर कोई एरर दे रहा है या जस्ट यहीं पर ही एरर दे रहा है। अच्छा ये तो दूसरी वाली खुला हुआ है मेरे पास, अभी वाली फाइल को मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो वीएस कोड का जो है ना, वीएस कोड कोई ग्लिच कर गया है वहाँ पे। नेटवर्क में गया मैं और मैंने कहा डाउनलोड यूबंटो, नहीं वीएस कोड नहीं ग्लिच हुआ है, वाकई वो एरर है। Cannot read property right of undefined of protocol. इसमें मैं किस तरह से पास कर सकता हूं URL को? चलो मैं फाइल नेम जस्ट यहाँ से पास करता हूँ, फाइल नेम जस्ट यहाँ से पास करता हूँ, बाकी का काम अंदर, क्योंकि बाकी का URL तो सेम रहेगा। इसको मैं बैकटिक में लगाता हूँ। अच्छा इसको ये जस्ट हम सर्वर वाला काम तो कंप्लीट कर चुके हैं, ये फ्रंट एंड पे हम इसको कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे आप बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसको करने के, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा स्लैश और यहाँ पर मैंने कहा फाइल नेम, ठीक है URL, जस्ट मैं रीयूजेबल बनाने के चक्कर में ये चीजें कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। ठीक है जी, ECMAScript 5 डाउनलोड यूबंटू हटा के ना यही लिख देता हूँ, ECMAScript 5 PDF। अच्छा अब मैं चार इस तरह बना लेता हूँ अलग अलग ना, अलग अलग फाइलों के। अच्छा पहले तो उसको प्रेस करके देख लेते हैं इतने को डाउनलोड हो रहा है। लोकल होस्ट 3000 स्टेटिक ECMAScript नहीं मिल रहा है इसको, लोकल होस्ट 3000 पे चलते रहा है। स्टेटिक की स्पेलिंग स्टेटिक स्लैश ECMAScript _ PDF। What? A request failed with status 404. I think मुझे सर्वर को रोक के रीस्टार्ट करना चाहिए, मुझे लग रहा है सर्वर में कोई ग्लिच आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। रिफ्रेश, किसी को ये बात समझ आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
सॉरी, आपने फोल्डर पब्लिक के नाम से बनाया है, यूआरएल को स्टैटिक दे रहे हैं, ये रीजन है तो पब्लिक है ना? नहीं, यूआरएल डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो उससे तो चल रहा था ये। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश स्टैटिक स्लैश एक्मा स्क्रिप्ट, थोड़ी अब इसमें भी बंद हो गया चलना। नहीं, हमने थोड़ी देर पहले अभी उसको मोबाइल पे और इस पर दोनों पे करके चेक किया ना, तो आई गॉट इट। असल में हुआ ये कि मैं फोल्डर जो 6 वाले से मैं 7 पे मूव कर चुका हूँ, बट टर्मिनल में स्टिल वो 6 वाले पे मौजूद है, इस वजह से वो मुझे डिजायर रिजल्ट नहीं दे रहा, तो मुझे बैक आके और दोबारा 7 पे जाना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ चक्कर हुआ क्या है। ठीक है, ये अब मुझे इसने देना शुरू कर दिया। राइट, अच्छा जी, तो मैं डाउनलोड का बटन प्रेस करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। अभी मुझे याद आया वो एंकर टैक्स होगा, वो ये एग्जॉस्ट से हम नहीं कर पाएंगे उसको, इसके इसके लिए सिंपल एक वे है, बटन से नहीं होगा एक्चुअली, ये एंकर टैक्स होगा। एंकर टैग, ठीक है, हमें इसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं है, फंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है इसके लिए। अच्छा, एंकर टैग में फिर हम क्या दे रहे होते हैं? एचरेफ दे रहे होते हैं। localhost colon slash slash no, localhost colon 3000 slash static slash ECMAScript 6.pdf. ठीक है जी, I think now we are good to go. अब क्या हो गया? ओह, लास्ट में एक ब्रैकेट लगी रह गई। ठीक है जी, अब हम नाउ वी आर गुड टू गो। तो अब हम इस यूआरएल को डुप्लीकेट कर लेते हैं काफी सारा करके, और अब हम एक एक फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करते जाते हैं और यहाँ पे लाके हम उसको पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि शार्प नोट्स, ठीक है, और रैंडमली मैंने कहा D3 इन एक्शन, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 फाइलें मैंने यहाँ पे होस्ट कर दी हैं अपने इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फाइल होस्टिंग कहते हैं इसको, राइट?
ठीक है, मैंने एक एक ब्रेक भी लगा दिया लाइन ब्रेक ताकि ये नई लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा अब मैं किसी भी के ऊपर जैसे D3JS पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास। ठीक है ये डाउनलोड हो गई मेरे पास। अच्छा इस सर्वर को मैं एज इट इज हरिको पे डाल दूंगा तो भी ये इसी तरह से चल रहा होगा। अच्छा तो ये हमारी स्टेटिक फाइल होस्टिंग का हो गया। इसमें से मैंने एक चीज डिलीट कर देता हूँ, ये यूबंटू इसमें से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जोश में आगे ऐड तो कर दिया बट वो काफी हैवी है, वो कोड पुश नहीं होगा फिर ना, क्योंकि वो पूरा 4GB पुश करेगा तो वो काफी टाइम लग जाएगा। और मैं एक दफा और भी डबल चेक कर लेता हूँ कि मैं पूरा ये फोल्डर कितने कितने साइज का मैं बना चुका हूँ, क्योंकि वो जाहिर है जितने भी साइज का मैंने बनाया होगा उतना डेटा वो पुश करेगा। तो 71 MB का बना दिया। उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास भी हैं। हाँ यदि गलत बता रहा था, इतने का तो नहीं है, 70 MB का तो नहीं है, 1 MB, 3 MB, 6 MB, 3 MB, 14 MB, D3 वाला 14 MB है, ये 11 MB है, 9 MB। अच्छा तो जो जो इसमें मैंने यूज नहीं किया वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा मैंने इसमें सब पे पहले यूज किया हुआ है ECMAScript 6, A Smarter Way to Learn JavaScript, ओके। अब VS Code में से ही डिलीट कर सकते हैं। VS Code में से भी कर सकता हूँ, राइट। अच्छा ये सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा शार्प नोट मैंने लगाया हुआ है, CSS नोट मैंने नहीं लगाया हुआ, D3 लगाया हुआ है, डेटा माइनिंग ठीक है जी, डेटा ओरिएंट डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच नहीं लगाया हुआ मैंने, डाउनलोड डेटा माइनिंग पास्ट पेपर, डाउनलोड डेटा ओरिएंटेड डेवलपमेंट ठीक है जी, डीप लर्निंग विद पाइथन नहीं है, फिर ECMAScript 6 दोनों नहीं है, यानी ये है, ये ऊपर है, ECMAScript 6 है ये, हाँ ये वाला नहीं है, सही। तो होपफुली मैंने कुछ साइज इसका रिड्यूस कर लिया है, अब 39 MB, मच बेटर। अच्छा अभी तो जस्ट मैंने इसमें छोटी फाइलों का इंतखाब इस वजह से किया है कि मेरे पास GitHub में ये पुश होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्लोन करने के लिए। अदरवाइज इसके अंदर आप जितना डेटा चाहें आप इसके अंदर रख सकते हैं। हाँ स्टिल हरिको आपको कुछ लिमिटेशंस देता है, हरिको कहता है कि भाई ये ना 1 GB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरह का कोई उनकी लिमिट है, वो आप देख सकते हैं अलग से। लेकिन जाहिर है अगर आपका अपना सर्वर है, हरिको के सर्वर पे आप नहीं डिप्लॉय कर रहे, अपना सर्वर है तो आप जितना चाहें इसमें डेटा रख सकते हैं और वो उसी तरह से वो डाउनलोड भी हो रहा होगा। अच्छा तो अब अपने नाम ये, लेकिन अगर हमें डेटा देना है तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम कि डेटा ब्लॉब में रखें, मतलब वो ये होता है ना क्या S3 जैसा। असल में ये हमने अपना S3 बना लिया अभी। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल सेम S3 वाली चीज हमने अपने पास कर ली है। ठीक है S3 में तो क्या होता है कि अपलोड भी आप जाके उनके पोर्टल पे जाके कर रहे होते हैं, इसमें क्या होगा अपलोड आप यहाँ डायरेक्ट फोल्डर में पेस्ट कर देंगे जाके, और ये जो एक लाइन का कोड है ना, ये एक लाइन का कोड, ये आपको पूरा S3 वाला मतलब फंक्शनैलिटी आपको पूरी ये दे रहा होगा, राइट। तो इस तरह करके आपने क्या किया, अपने ही सर्वर पे एक स्टेटिक फाइल सर्वर बना लिया अलॉन्ग विथ REST API सर्वर। REST API आपकी अपनी जगह है, ये स्टेटिक फाइल सर्वर आपका अपनी जगह है, राइट। तो ये दोनों चीजें हम सेम सर्वर पे सर्व कर रहे हैं। तो आज का ये मेरा टॉपिक स्टेटिक जो फाइल सर्विंग था, ये काइंड ऑफ हमने खत्म कर लिया है आज। और अच्छा अब बताने वाली बात ये है कि जब स्लैश स्टेटिक और स्लैश उसके बाद फाइल का करेक्ट नेम जब होगा तभी ये इसके ऊपर से उसको स्टेटिक फाइल देगा, अदरवाइज अगर जो भी मैंने URL रखा हुआ है इसके अगेंस्ट, जैसे मैं इस पे हाथ रखूंगा तो बिल्कुल बॉटम पे इसका URL डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर ये URL जरा सा भी चेंज हुआ ना फाइल के नाम से, तो ये क्या करेगा, ये पाइपलाइन में अगले मिडलवेयर की तरफ मूव कर जाएगा, कोई फाइल आपको रिटर्न नहीं करेगा ये,
ठीक है, अगर फाइल का नाम मैच हो जाता है स्लैश स्टेटिक स्लैश फाइल का नाम अगर मैच हो जाता है तो ये आपको फाइल दे देगा, अदरवाइज ये आगे वाले मिडलवेयर पे मूव कर जाएगा और मजीद रेस्ट पे, अगर किसी से हिट हो गया तो हो गया, अदरवाइज फिर आपको कह देगा कैन नॉट गेट। ठीक है, तो ये पाइपलाइन में हमेशा सबसे पहले उसके ऊपर हिट होगी रिक्वेस्ट हमारी स्लैश स्टेटिक के ऊपर। ठीक है जनाब सर। अच्छा, अब मेरा ख्याल है नीचे जो चीजें इसमें लिखी हैं मैंने, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो अब हम बहुत डिटेल में जिसको डिस्कस करें। अब सिंपल यही हुआ हुआ है इसमें कि डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट डॉट फाइंड वन हुआ हुआ है। ठीक है, फाइंड वन बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये फाइंड वन हमें मिला कहाँ से? ये मोंगोस की लाइब्रेरी ने हमें ये फंक्शन बना के दिया हुआ है कि हम कहते हैं पोस्ट डॉट फाइंड वन। ये पोस्ट क्या चीज है? ऊपर जो हमने ये स्कीमा तैयार किया था ये वो पोस्ट वो है। हमने कहा एक डॉक्यूमेंट ढूंढ के लाओ जिसकी आईडी क्या हो, ये हो जो यूजर ने भेजी बताई आईडी, वो वाली आईडी वो ढूंढ कर लाओ। ठीक है, ये मेरे पास रिस्पांस आता है, इसमें या तो एरर होगा या तो रिस्पांस होगा। मैंने कहा नॉट एरर तो मतलब डेटा आ गया, भेज दो यूजर को वापस। ठीक है, एल्स बता दो कि भाई समथिंग रॉन्ग, कुछ खराब, कुछ गलत हो गया, खराब हो गया, आप दोबारा ट्राई कर लो। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी बात। तो ये मोंगो डीबी की ना क्वेरी लगी हुई है। अच्छा, हम इंशाल्लाह अगली क्लास में अगर आप लोग कहें या अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अगली क्लास में ना हम क्वेरीज का डॉक्यूमेंट थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेंगे कि भाई ये क्वेरीज में क्या क्या होता है। जैसे फाइंड वन तो हमने लिख कर देख लिया है, फाइंड वन के अलावा एक दो और हैं जो हमने यहाँ लिखा नहीं, तो उन पर भी हम ज़रा नज़र मार लेंगे और उनकी आपस में कंपेरिजन कर लेंगे कि भाई सिर्फ फाइंड में और फाइंड वन में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ फाइंड लिखा है, फाइंड वन में और फाइंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अभी ये डेटाबेस की बात है काइंड ऑफ। ठीक है, अभी सर्वर से रिलेटेड बातें जो है वो तो कोई उसमें मेरा ख्याल है सवाल नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, ऐप डॉट गेट मतलब गेट की रिक्वेस्ट अगर आए और उसका यूआरएल ये हो तो ये हिट हो जाएगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा पाइपलाइन में, आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर गेट की रिक्वेस्ट हुई और स्लैश पोस्ट हुआ एस के साथ पोस्ट, तो ये हिट हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये पाइपलाइन में आगे बढ़ जाएगा, इससे मैच करेगा। ठीक है, जहां पे हिट हो गया ये वो उसको चला देगा कोड को। ठीक है, किसी से भी हिट नहीं हुआ तो ये पाइपलाइन में पूरा नीचे गिरेगा और आखिर में जाके ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, यानी आखिरी मिडलवेयर को जैसे ही ये क्रॉस करेगा उसके बाद कोई मिडलवेयर मजीद मौजूद नहीं है, ये कहेगा भाई कैन नॉट गेट। सर ये पोस्ट है और पोस्ट मतलब के एस के साथ जो पोस्ट है, इसमें ये जो वर्ड है ये कोई प्रॉपर्टी की तरह है या फिर ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि REST API के ना प्रिंसिपल्स हैं, पांच ऐसी क्वालिटीज हैं जो अगर आपकी API में मौजूद हो तो आप अपनी API को REST API कह सकते हैं। तो ये उनमें से एक प्रिंसिपल है, इसका नाम था क्या रिसोर्स नाम था इसका, यूनिफॉर्म करके कुछ जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स नाम था इसका। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स में ना इस तरह करके वो कहते हैं कि भाई आप इस तरह करके ऑर्गेनाइज करें कि भाई एक ही नाम की ना चार रिक्वेस्ट हो आपकी, एक गेट हो तो मतलब कुछ मंगवा रहे हो आप, सही है, फिर उसी नाम से पोस्ट हो तो मतलब कुछ भेज रहे हैं आप, पुट हो डिलीट हो। ठीक है, अब फिर गेट में भी अब एक पोस्ट मंगवा रहे हैं या एक से ज्यादा मंगवा रहे हैं, तो आपको URL देख के ही बंदा समझ जाए कि भाई एस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा पोस्ट यहाँ से रिटर्न होगी, एरर रिटर्न होगा इससे। तो ये एक तरह से आपस में स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, तो REST API आप जब ही कह सकते हैं अपनी API को जब अपने ये रूल्स फॉलो किए हो, तो वो पांच प्रिंसिपल आप दोबारा भी उसको जाके चेक कर सकते हैं। जी सर, सर यूनिफॉर्म के अंदर और भी कुछ चीजें इसके अलावा पोस्ट गेट पुट और डिलीट के अलावा, मतलब कि और जो रिक्वेस्ट्स हैं उनके अलावा भी और कोई चीजें हैं? अच्छा, बात में आपकी जैसे कि आपने पहले बताया था कि कुछ रिक्वेस्ट हैं और भी, लेकिन लेकिन उनको समझना जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमने REST API के जो पांचों प्रिंसिपल थे उसको इन डिटेल कवर कर लिया है या उसमें कुछ बाकी है? ठीक है, उसका जवाब ये है कि हम REST API के उन पांच प्रिंसिपल्स को कवर नहीं कर रहे हैं इस कोर्स में, राइट? हम कवर नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो मैंने चीज पढ़ाई है आपको, ये गेट और पोस्ट, ये मैं असल में आपको वो प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट? ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, वो मैं प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा कि ये मैंने इस वजह से किया है कि वो प्रिंसिपल हमें कहता है ऐसे करो। अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स का जो प्रिंसिपल है वो और भी काफी कुछ कहता है, लेकिन वो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे। ठीक है, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो थ्योरिटिकल चीजें, वो थ्योरी वाली चीजें।
ठीक है, वो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस है, फॉलो करने वाली चीज है. स्टिल अगर आप ये वाला रूल भी फॉलो ना करें तो कोड आपका बिल्कुल सही चलेगा. आप कुछ भी नाम रखते रहे, कुछ बोलेगा थोड़ी आपको, कोड आपका बिल्कुल सही चलेगा. लेकिन ये एक ऐसी बात है जो मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको डेटा दे दूं कि ये उससे इसका ताल्लुक है. तो इसलिए मैंने बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स. अब अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और भी फिर काफी चीजें हैं. ठीक है, ओके सर, जजाक अल्लाह. मिसाल के तौर पर एक और भी चीज अभी मेरे जहन में आ गई. अब वो यूनिफॉर्म रिसोर्स में ना वो कहते हैं कि भाई आपका ना क्या हो, स्लैश API हो, फिर स्लैश V1 हो आपके पास, फिर स्लैश पोस्ट हो. वो कहते हैं कि डायरेक्ट पोस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पोस्ट होगी कल को आप अपडेट करेंगे तो कैसे करेंगे. तो वो कहते हैं फिर आप अपडेट ऐसे करेंगे कि आप बना देंगे यहाँ पे V2, ठीक है, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया. ठीक है, ये भी एक मेरे बात जहन में आ गई तो मैंने आपको बता दिया. अब यूनिफॉर्म रिसोर्स ना काफी कुछ और भी बोलता है, लेकिन जाहिर है वो कवर कर सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन स्टिल टाइम हमारे पास ना टाइम का कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से मैं कवर नहीं कर पाऊंगा. सर हम ये स्लैश पोस्ट लिखना भी कन्वेंशन है या मतलब ये हमने सिर्फ अपनी एंटिटी के उसके हिसाब से नाम रखा हुआ पोस्ट? कन्वेंशन है नहीं, देखें वैसे तो जो वेरिएबल का हम नाम रखते हैं वेरिएबल का नाम रेलेवेंट होता है, तो इसी तरह जो URL है ना मेरा जो मैं सर्वर पे हिट कर रहा हूँ वो भी रेलेवेंट, तो कुछ तो रेलेवेंसी होनी चाहिए ना. ठीक है, बट ये नाम आपकी मर्जी का है, स्टिल ये नाम टोटली आपकी मर्जी का, आप जो मर्जी चाहे नाम इसमें रख सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें. ठीक है, ये S लगाया मैंने, S का ताल्लुक जो है वो यूनिफॉर्म URL के एक स्टैंडर्ड के साथ है. S भी ना लगाएं आप, कुछ बिल्कुल ही अलग नाम रख दें, कोई मसला नहीं है. ठीक है, आप इसको इस तरह आमतौर पर लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग ये कर रहे होते हैं गेट पोस्ट. ठीक है, फिर इसको कह देते हैं कि पोस्ट कहाँ गया मेरा, इसको कह देते हैं क्रिएट पोस्ट. ठीक है, ऐसे रख सकते हैं आप, चलेगा आपका इसके लिए. बट स्टिल कोड आप किसी को अगर दिखाएंगे ना तो शायद वो आपको जज कर ले इस कोड से कि यार इसको काम नहीं आता. ठीक है ना, मतलब इस तरह की चीज होगी. तो मतलब ये डोमेन से रेलेवेंट होना चाहिए ये. हाँ, ये ऐसी चीजें अगर आप छोटी छोटी थोड़ा ख्याल रखें और अलग से आप अगर इसको पढ़ लें थोड़ा सा और इसको फॉलो करें आप, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की छोटी छोटी चीजें सामने वाले में इंप्रेशन अच्छा जाता है. ठीक है, किसी के आगे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो कल को और फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट अगर कोई मिल जाए जिससे आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, या अपना कोड उसको दिखा रहे हो आप एज अ पोर्टफोलियो, तो ये वो चीजें है ना जो वो बोलेगा नहीं कुछ आपको, लेकिन इन चीजों को देख लेता है कि अच्छा यार इसने इस तरह का कोड लिखा हुआ. ठीक है, अच्छा इस चीज को जब बात निकल आई है तो मैं मजीद आपको एक बुक भी रेकमेंड कर देता हूँ अगर आप इस चीज को मजीद सीखना चाहते हैं. उसका नाम है REST API Design. ठीक है, अबे यार सर बाकी की जो टाइप से API की वो कुछ करेंगे या कवर क्या नहीं? REST API Design के नाम से एक बुक थी, ये है वो बुक. नहीं, ये तो सिर्फ REST API, हाँ REST API Design ही नाम है इसका, यानी पूरा नाम इसका जो है वो REST API Design है. ये रहा, अच्छा मैंने ये काफी पहले पढ़ी थी बुक, तो अब मुझे दिख रहा है कि सेम इसी नाम से कई दूसरी बुक्स भी हैं. अब मुझे ये नहीं पता कि वो मैंने जो पढ़ी थी इसमें से वो कौन सी थी. काइंड ऑफ वो इसी तरह का शेप था उसका, कोई इसी तरह का शेप था उसका. बट आप नोट कर रहे हैं कि REST API Design के ऊपर ना काफी लोगों ने बुक लिखा हुआ है, काफी लोगों ने काफी इस पे देखें, इसमें भी डिजाइन का वर्ड शामिल है, REST API वेब API Design. ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखें सर्विस डिजाइन पैटर्न, REST API development, Node.js. तो हमने जितनी REST API सीख ली है उससे हम essentially काम सारी कर सकते हैं. काम सारे कर सकते हैं. ये देखे ना, इसने नाम बुक का क्या रखा है, रूल बुक है ये, कोडिंग की बुक नहीं है. कोडिंग इसमें बताया गई, मतलब कोडिंग वही बताएगा जो आप यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये रूल बुक, दिस इज नॉट अ कोडिंग बुक. इसने शुरू अच्छा काम कर दिया. अदरवाइज जो काम सारे तो आप जितना बता दिए उतने में कर सकते हैं काम, नॉट अ प्रॉब्लम. हमारे कोर्स में इतना ही API का था, फर्दर हम नहीं करेंगे. पर मतलब हमारी हमारे कोर्स में API का जो था वो बस इतना ही था, कोर्स कंटेंट अब बाकी नहीं करेंगे. अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना कोड लिख लिया इससे आप
एप्लीकेशंस बना सकते हैं, तो हाँ इसका जवाब है हाँ, आप सारी एप्लीकेशंस इससे बना सकते हैं, यानी जो भी वेब एप्लीकेशन, तो खैर नहीं क्योंकि वेब का कोर्स नहीं है, लेकिन हम ज़ाहिर है चैटबॉट बनाना सीखना चाह रहे हैं अभी, तो हम इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द एलेक्सा की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। बस ये चीज़ें जैसी रैपअप होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा हैवी लग रहा था तो इसलिए थोड़ा रिवाइज़ कर लिया मैंने, अदरवाइज़ ये हमारा यहाँ तक हो गया है। ठीक है, चैटबॉट के लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ये छोटी सी चीज़ें रैपअप हो गई तो हम चैटबॉट की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, इसी चीज़ को हम देखते हुए अपने ज़रा हम कोर्स आउटलाइन की तरफ नज़र डालते हैं कि हमारे कोर्स आउटलाइन में अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिमेनिंग है। अच्छा जी, ये जावास्क्रिप्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, ये भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू सर्वर के सर्वर होते क्या है, काम कैसे करते हैं, ठीक है, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाना ना कैसे करती है, मिडलवेयर क्या चीज़ है वो हमने आज डिस्कस कर लिए कि मिडलवेयर हर एक जो उसमें बना हुआ है वो सारा मिडलवेयर है। ठीक है, फिर गेट पोस्ट पुट और डिलीट चारों मिडलवेयर हमने पढ़ लिए हैं, एक एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया है यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज जो है, ठीक है, वो नीचे की स्टेटिक फाइल सर्वर की भी बात आ गई, तो स्टेटिक फाइल सर्वर के साथ हमने एक पांचवा मिडलवेयर जो ऊपर उसमें लिस्ट में नहीं है यूज, उसके जरिए स्टेटिक फाइल सर्वर हमने पढ़ लिया। MongoDB का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने CRUD ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर लिया कि मतलब डेटा रीड करना राइट करना ये सब हमने उसमें परफॉर्म कर लिया। ठीक है, फिर MongoDB जो है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, फिर वो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हमने एक क्लाइंट अलग से कनेक्ट करके भी देख लिया, ठीक है, मोंगो रोबो 3D के नाम से क्लाइंट है वो हमने देखा, MongoDB Compass के नाम से एक क्लाइंट था वो भी हमने देखा, तो ये इंट्रोडक्शन हमने अच्छा खासा इसका लिया। अच्छा, स्कीमा हमने बनाकर देख लिया, ठीक है, स्कीमा और मॉडल वो असल में एक एक लाइन की दो चीज़ें हैं, तो वो दोनों हमेशा साथ में ही बनती है, अकेले नहीं बनती, तो स्कीमा एंड मॉडल को हमने देख लिया। ठीक है, और स्कीमा की जरूरत क्यों पड़ती है, MongoDB itself स्कीमा लेस है, लेकिन स्कीमा हमें कौन प्रोवाइड करता है, मोंगोज, तो इस वजह से हम मोंगो और उसके बेनिफिट्स थोड़े बहुत हमने देखे कि यार लोगों को आसानी होती है, जो पुराने डेटाबेसिस से आए हुए लोग हैं या जो वैलिडेशन वगैरह करना चाहते हैं उनको आसानी रहती है। CRUD ऑपरेशन हमने MongoDB का किया। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह क्विज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अगली वीक करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे डायलॉग फ्लो है कोर्स आउटलाइन में, लेकिन मैंने थोड़ा सा थिंक थ्रो किया था, हमारी एक सैलानी में भी सेम चीज़ की क्लास चल रही है ये वाली, वो आपसे थोड़ा आगे हैं, तो उनको मैंने अलेक्सा पहले पढ़वाया है। ठीक है, तो आपको भी ना अलेक्सा हम पहले पढ़ेंगे, ये हम उसके बाद लास्ट में पढ़ लेंगे। सही है, अलेक्सा इसमें है क्या भाई, नीचे नीचे, ये अलेक्सा जो है ना इतना पार्ट, ये हम इसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, हम अब इंशाल्लाह जैसे ही ये ख़त्म होता है, ये क्विज हमारा कंप्लीट होता है, क्विज तो खैर अभी एक हफ्ते बाद होगा इंशाल्लाह, उससे पहले ही हम ये स्टार्ट कर लेंगे अलेक्सा। ठीक है, अलेक्सा हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अलेक्सा में ना वो सारे जो यानी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अलेक्सा की एक बुक मौजूद है, डायलॉग फ्लो की अभी तक कोई अनफॉर्चुनेटली बुक अच्छी मुझे मिली नहीं है, तो अलेक्सा की बुक मौजूद है, तो इसलिए अलेक्सा हम पहले पढ़ देते हैं, फिर अलेक्सा की जो बुक है ना उसमें शुरू में जो थ्योरी, मैं असल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं पहले क्यों पढ़ाया मैंने ये, तो इसमें कुछ थ्योरी की भी चीज़ है ना बुक में, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लिखी है ना, एक है बहुत अच्छे उन्होंने बुक लिखी है इसकी अलेक्सा की, तो थ्योरी की कुछ चीज़ें हैं कि यार एक वॉइस एप्लीकेशन में ना क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे एक बेहतरीन वॉइस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जा सकता है, वो बातें इसमें बुक में मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थ्योरी भी थोड़ी हो जाएगी चैटबॉट की, फिर साथ में हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा अलेक्सा पे, फिर हम उसके बाद डायलॉग फ्लो पे मूव करेंगे। डायलॉग फ्लो पे जब हम मूव करेंगे तो फिर हमें थ्योरी पढ़ने की उस वक्त जरूरत नहीं होगी, थ्योरी हम क्योंकि पहले ही पढ़ चुके होंगे, हम डायरेक्ट फिर कोडिंग की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, रिएक्ट में क्या क्या कवर करेंगे? हाँ, रिएक्ट भी इसमें है ना, मौजूद है लिखा हुआ, ये जब हम ये अलेक्सा का इतना पार्ट हम पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट है, ये हम इसको तीन क्लासें देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तीन क्लासें हम इसको देंगे इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट को, और फिर हम डायलॉग फ्लो पे मूव करेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, मतलब वेब के ऊपर हम इंटीग्रेट भी कर सकें उसको बाद में। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में, और अभी अगर मतलब डेटाबेस के अलावा, क्योंकि डेटाबेस अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम कल थोड़ा उसको डिटेल में देख लेंगे, आज डेटाबेस के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं,
और प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, उसको हरिको पे डिप्लॉय भी करके देखें। अगर आपने नहीं देखा MongoDB का जो डेटाबेस है वो MongoDB के क्लाउड पे उसको बना के डिप्लॉय करके उसके साथ यार एक्सपेरिमेंट्स करें, उसके साथ खेलें थोड़ा, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, राइट। तो इस तरह आपको ना आप यूज टू होंगे, अदरवाइज आप सीख तो जाएंगे, आपको पता तो सब कुछ होगा, लेकिन जब आप कोडिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा कि यार मैं शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है। अगर आप यूज टू नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है जी। इतना कोड जो है वो मैं पुश कर देता हूँ और फिर आपसे मैं जाना चाहूंगा। अच्छा सर, ये जो हम असाइनमेंट या हरिको पे अपलोड करेंगे तो ये हरिको पे क्या हम सेम ऐप को ही अपडेट कर दें या अलग अलग ऐप बनाए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो आप एक दफा आपने डिप्लॉय कर दी उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 5 फ्री ऐप देता है, वो शुरू में 5 देता है फ्री ऐप, वो खत्म हो जाए दूसरा अकाउंट बना लें, मना थोड़ी है आपको, दूसरा ईमेल बनाए दूसरा अकाउंट बना लें। ठीक है जी, तो इजाजत चाहूंगा आपसे, कोड पुश हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि वो 20-25 एमबी टाइम लगेगा, थोड़ा पुश हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।